Hello everyone, I welcome you all on our channel Engineering Life. If I talk about myself, my name is Ishwarya Vijay. I cleared GATE 2017 with 99.37%. These are the some other exams that I've qualified. They are LICW 2018, IBPS PU, TILMAINS 2018, RRB PU and NSCC CHLS 2018. अगर बात करें मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, वो 2+ years का टीचिंग एक्सपीरियंस है. अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें, वॉट इज़ इंजीनियरिंग लाइफ, आखिरकार हम जिस चैनल पर, जो हमारा न्यू चैनल है, वो आखिरकार है क्या और ये किसकी हेल्प से हमें मिला है या इसे ये किसके अंडर आता है. तो ये हमारे अंडर आता है अनअकैडमी के. अनअकैडमी एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव के साथ आई है जो आपके ड्रीम एंड आपके सेमेस्टर्स दोनों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलती, एक बहुत ही शानदार बैलेंस बना के चलती, ताकि आप अपने सेमेस्टर्स में भी टॉप कर पाए एंड साथ ही साथ आप अपने एम को, आपके ड्रीम को भी अचीव कर पाए इन दी फर्स्ट अटैम्प्ट. चलिए अब ये जानते हैं आखिरकार व्हाट इज़ अन अकेडमी लर्निंग ऐप. अब हम किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं या किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसके बेनिफिट्स जानना हम ज़रूर जानते हैं कि आखिरकार इससे क्या बेनिफिट्स है कि हम इससे कंटिन्यूशन में ही रहे या फिर हम इसे ज्वाइन करें. तो चलिए कुछ बात करते हैं अन अकेडमी के बेनिफिट्स के बारे में. अन अकेडमी हमें प्रोवाइड करता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन. लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन का बेनिफिट क्या हुआ, आप जो भी सेशंस होंगे इसे कहीं भी, कभी भी और कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं. जी हाँ, अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करवाता है अनलिमिटेड एक्सेस. अब कहीं भी, कभी भी और कितनी बार भी का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, अन अकेडमी किसी भी, एक तो लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं है, साथ ही साथ किसी डिवाइस पे बेस्ड नहीं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बेस्ड नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के ही हमें वॉच करना पड़ेगा या आप हमारे साथ आ सकते हैं या फिर आप हमें वॉच कर सकते हैं, आप हमसे पढ़ सकते हैं. या फिर आपको ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपने मोबाइल में लॉग इन कर लिया तो आप इसे लैपटॉप पर नहीं चला सकते, या फिर अगर आपने लैपटॉप पर चला लिया तो आप अपने मोबाइल पर यूज़ नहीं कर सकते. साथ ही साथ कुछ कुछ का ये होता है कि कुछ कुछ जो एप्लीकेशंस होती है वो सिर्फ iOS पे ही चलती है, फिर सिर्फ एंड्रॉयड पे ही चलती है. तो आप इससे भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अगर आप iOS यूज़ करते हैं तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस के साथ साथ हमें मिलते हैं यहाँ पे डाउट सेशंस भी. हमें यहाँ पे डाउट सेशंस भी मिलते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हमारे डाउट्स हैं हम उन्हें पूछ सकते हैं. अब लेकिन हमारा ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें और जगह पे मिल रही है, तो हम अन अकेडमी पर क्यों ज्वाइन हुए, अब यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट्स है. तो देखिए, अगर अन अकेडमी या फिर मैं यूट्यूब की भी बात करूँ, यहाँ पे हमें लाखों चीज़ें मिल रही हैं, मैं मना नहीं कर रही, बट क्या वो सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं, क्या वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल रही है, क्या आप वो सेशंस देखने के बाद डाउट पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हुआ तो आप वो पूछ सकते हैं. शायद इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं कर पाएंगे, बट ये सारी चीज़ों से आपको फ्री करता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए एंड फटाफट से लॉग इन कीजिए एंड हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपकी जो सक्सेस है, जो आपका ड्रीम है, आपके एम है, हम उसमें आपकी हेल्प कर सके आपको वो ड्रीम या फिर एम को अचीव करने. साथ ही साथ ये एक इसका जो बेस्ट पार्ट है, मैं अगेन एक बार पहले भी बोल चुकी, एक बार फिर बोल रही हूँ कि ये लैंग्वेज बेस्ड नहीं है. आपको जिस लैंग्वेज में सही लगता है, जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, वो पढ़ सकते हैं. और ये सारी एजुकेशन मिल रही है आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स किससे मिल रही है, बेस्ट एजुकेटर्स से मिल रही है. तो बस फिर किस चीज़ का है, जब हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हम कहीं और क्यों जाए. साथ ही साथ हमें यहाँ पे खुद को सेल्फ एनालाइज करने के लिए लाइव सेशंस में मिलता है पोल एनालिसिस, एंड वीकली बेसिस पे क्या मिलता है, हमें टेस्ट सीरीज मिलती है, क्विजेस मिलते हैं, जिसमें हम खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, हमें और कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी एट प्रेजेंट हम कहाँ स्टैंड करें. ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में. और साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. हम यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव जो एजुकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको वो आपको रिस्पेक्टिवली सेम डे के हिसाब से DPPs देते हैं, होमवर्क देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती. तो आपकी जो बाकी सारी जो भी टेंशन है उन सबका जिम्मा अन अकेडमी ने ले रखा है. आपको बस क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, वो भी कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में.
पढ़ाई एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो इसका ये बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि ये चलो सिलेबस है, हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन क्या हमारे डायरेक्शन सही है, क्या हमारी अप्रोच सही है, जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो रिलेवेंट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो हमें सक्सेस तक पहुँचाने में हेल्प करता है। तो एक राइट डायरेक्शन में हम पढ़े और राइट वे में पढ़े और जो 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 एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए वो हम पढ़े। इन सारी चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ये सारी चीज़ें मिलती है आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, और इस चीज़ को भी आप और चीप कर सकते हैं सिर्फ एक कोड यूज़ करके, और वो कोड है AAISHU। बस ये कोड यूज़ कीजिए और आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इससे आप हमसे जुड़ भी जाते हैं, साथ ही साथ आपके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का ध्यान रखती है अनअकैडमी। आपको डाउट्स है, आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, आपको शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अनअकैडमी पे छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज करके रखेगी। बस आपको क्या करना है, वो स्ट्रक्चर वे को फॉलो करना, पढ़ाई करनी एक सही अप्रोच में, पढ़ाई करनी एक सही तरीके से पढ़ाई करनी। चलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं हम एक बार क्विकली फिर से देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिले, डेली लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस प्लस डाउट सेशंस जिसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे एजुकेटर से, साथ ही साथ लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलती हैं एंड पोल एनालिसिस भी मिलता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे सब कुछ क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में मिल रहा है। हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं वो सही है, क्या जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वही सफिशियंट है, क्या इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ना, या फिर हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या मुझे इतने पढ़ने की भी ज़रूरत है। बहुत बार होता है स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में इतना ग्रैप कर लेता है कि उसे यही नहीं पता होता कि इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें फालतू की जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे बचने के लिए हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब मैं किसी भी वीडियो को या किसी भी सेशन को कितनी बार भी देख सकती हूँ। बहुत सारी जगह ऐसे देखा जाता है कि अगर आपने एक सेशन को एक बार देख लिया तो आप उसे दोबारा नहीं देख सकते, तो इस वाली चीज़ के लिए भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अगर आपको एक बार में सपोज नहीं समझ में आता तो आप दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है स्टडी मटेरियल भी। आप यहाँ पे हमें हर सेशन की रिस्पेक्टिव PDFs मिलती है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको अलग से सेपरेटली नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप फिर भी नोट्स बनाते हो तो आप वो स्पेशल पॉइंट्स साथ के साथ मेंशन कर सकते हैं जो कि आपके एजुकेटर ने आपको ट्रिक बताई हो, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमें आपको बैचेस मिलते हैं जहाँ पे आपको क्या है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और किस तरीके से, या फिर किस तरीके से कि आपकी अप्रोच रहनी चाहिए टूवर्ड्स द एग्ज़ाम। जैसे कि आप सबको पता है कि एक सीट के पीछे भी आजकल बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो गए डे बाय डे और इंक्रीज़ होते जा रहे। जैसे कि आप सबको पता है कि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी आप एलिजिबल है, तो मतलब थोड़ा तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो ही गया। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी हो बिल्कुल बेस्ट हो, और इस बेस्ट चीज़ को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू। अब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिससे आपकी ये सारी चीज़ें जो भी आपकी दिक्कत है वो सारी सॉल्व हो जाए बहुत ही कम प्राइस में। साथ ही साथ हमें यहाँ पे मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, हम हमारे हिसाब से कोर्स चूज़ कर सकते हैं। बट अगेन अगर मैं मेरे पर्सनल सजेशन दूँ तो मैं आपको दूंगी 12 या 24 मंथ्स का कोर्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो रेट भी चीप है, एंड ज़्यादातर टाइम तक अगर आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको एक कोड यूज़ करना है, वो क्या है AAISHU फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में आप सबको पता है हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिजिटल लॉजिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स कंप्लीट कर लिया है। हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट्स टॉपिक चल रहा है, इसमें भी हमने हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर अर्थमेटिकल सर्किट्स, इसके अलावा कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमें जो टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है वो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। बट इससे साथ के साथ हम ये जान लेते हैं कि हमारे मेरे और सेशंस या फिर और कोर्स क्या चल रहे। तो आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे नाम
ऊपर सर्च करेंगे आपको मेरी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे से आप एफटी एंड रीजनिंग के सेशंस अटेंड कर सकते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेसमेंट में भी एफटी रीजनिंग आता ही आता है। इनिशियल राउंड में जो हमारा फेज फर्स्ट होता है उसमें भी हमारा एफटी रीजनिंग काम आता है। अगर आप गेट या फिर एएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली अभी गेट की बात करूँ तो गेट में एफटी 15 मार्क्स की आती है, और 15 मार्क्स बहुत मायने रखती है हमारा पूरा, हमें बहुत अच्छी एक रैंक दिलाने में या फिर हमारे सिलेक्शन को करवाने में भी 15 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। साथ ही साथ अगर आप और किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके एक्टिव एंड रीजनिंग काम आते हैं, ठीक है। तो आप ये सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं जो कि आपको मिलेंगे आना अकेडमी लर्निंग ऐप पे। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट से जाइए प्ले स्टोर पे एंड डाउनलोड कीजिए आना अकेडमी लर्निंग ऐप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट चल रहे, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। वो कौन कौन से? कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अर्थमेटिक सर्किट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे तरह के एडर्स देख लिए, हमने सारे तरह के सबट्रैक्टर्स भी देख लिए। हमें अब जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कोड कन्वर्टर, कंपैरेटर्स, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हमारे किस तरीके से प्लानिंग रहेगी? तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कंपैरेटर्स, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर, एंड जो बाकी के जो सेशन हैं जैसे कोड कन्वर्टर, डीकोडर एंड एनकोडर, ये सारा आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बहुत ही अच्छे से किया गया। ये हम किस पे पढ़ेंगे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप अगर अभी तक आपने वो डाउनलोड नहीं किया तो अगेन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप ये सेशंस भी अटेंड कर सकें। ये सेशन या फिर तो मैं कल ही ऑर्गेनाइज करवा दूँगी या फिर एक दो दिन में ऑर्गेनाइज करवा दूँगी। अगर आपको इससे रिलेटेड अगेन नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे न्यू चैनल को, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो, अगर कोई न्यू वीडियो है तो उससे भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए अब चलते हैं हम हमारे कोर्स कंटेंट पे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक बार आपको एक फटाफट से देख लीजिए कि हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं। देन हम हमारे कंपैरेटर्स पे चलते हैं कि आखिरकार वॉट आर कंपैरेटर्स, ये कितने तरह के होते हैं, फिर देन मार्क्स क्या होते हैं, डीमार्क्स क्या होते हैं, ये हमारे क्यों यूज़ में आते हैं, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानते हैं। एंड अगेन डिकोडर, एनकोडर एंड हमारा जो कोड कन्वर्टर है वो हम कहाँ कवर करें? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कवर करेंगे। चलिए हमने कल के सेशन में ये सारी चीज़ें देख ली थी। अगेन इसकी पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको सेपरेटली अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। चलो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें आज पढ़ना है कंपैरेटर्स। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं, कल के वैसे सेशन में हमने थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन देख लिया था, बट एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर कंपैरेटर्स। कंपैरेटर्स क्या होता है? बेसिकली हमें दो नंबर्स को या फिर दो किसी भी वैल्यूज को कंपेयर करने के काम में आता है। अब जो कंपैरेटर्स है वो आपको, अगर आप किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करेंगे, उसको आकलन करेंगे कि आखिरकार है क्या, तो हमें हमेशा तीन रिजल्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से? लेस देन या फिर ग्रेटर देन, ठीक है, और या फिर क्या मिलता है? इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। अब ये तीन रिजल्ट मिलते हैं। अब इन तीन रिजल्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है LEG से आप याद कर सकते हैं। कैसे? या फिर तो होगा लेस देन, या फिर इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन। आप इस तीस चीज से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बार वापस से पढ़ लेते हैं कि हमें कंपैरेटर्स हम यूज़ कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले MSB जो हमारी डिजिट्स होती है या फिर MSB होता है, उसे जो हमारी बिट होती है, हम उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो इक्वल आ रही होती है देन उसके जस्ट लोअर वाली बिट को हम कंपेयर करते हैं, अगर वो भी इक्वल आ रही देन उससे लोअर वाली बिट। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। हम क्या करते हैं? रिस्पेक्टिव बिट्स को कंपेयर करते हैं, देन वैल्यू निकालते हैं कि कौन सी हमारा जो बिट है या फिर जो हमारा नंबर है या हमारी वैल्यू है, कौन सी लेस देन है, ग्रेटर देन है, और इक्वल टू जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे कंपैरेटर्स होते कितने तरह के। तो चलिए हम फर्स्ट कंपैरेटर के बारे में हमारी बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड डिजिटल कंपैरेटर। तो देखिए इसका जो मेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? एन बिट कंपैरेटर।
अब ये क्यों यूज में आता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगेन अगर आप सेकेंड ईयर में अभी, तो आपके थ्योरिटिकल लिखने में बहुत काम आएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़िए। दिस इज़ यूज टू कंपेयर, अगेन आप सबको पता है कंपेरेटर है, तो यूज टू कंपेयर तो आएगा ही। अगर यूज टू कंपेयर टू डिजिटल और बाइनरी नंबर ए एंड बी एंड दैट इज डिटरमाइंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड टू विच, या फिर तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये चीज़ ही यहाँ पे लिखी गई है। या फिर आप इससे भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। अगेन ईजी रहता है हमें लेग से याद रखना, कैसे लेग से याद रखना, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अब आगे कंपेयर देम, दिस डायग्राम शोज एन बिट कंपेरेटर विच कंपेयर्स टू एन बिट लेंथ नंबर एंड जनरेट रिलेशन बिटवीन दैम सब। ये क्या है, एन बिट कंपेरेटर का लॉजिक डायग्राम है। अगेन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वॉट इज, अगेन थ्योरी पेपर की बात करो, अगर आपसे पूछा जाता है वॉट इज कंपेरेटर, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन बताना है कि किस किस तरह के कंपेरेटर्स होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगेन ये आपके आंसर्स में थोड़ा सा अच्छा लुक देगा, जो कि आपके जो एग्जाम जो आपकी कॉपीज चेक करेगा वो भी थोड़ा खुश हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बिट कंपैरेटर की, आखिरकार फर्स्ट बिट कंपैरेटर क्या है। तो यहाँ पे अगेन आपको ये तो पता है कि यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बिट्स हैं जो कंपेयर कर रहे होंगे, तो आंसर्स जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, या फिर तो लेस देन आ सकता है, या फिर इक्वल टू आ सकता है, या फिर ग्रेटर देन आ सकता है, ये तीन पॉसिबल हमारे आंसर ही आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वन बिट कंपेरेटर ये कर क्या रहा है, ये कंपेयर कर रहा है टू नंबर्स को जो कि क्या हो, सिंगल बिट के नंबर्स हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, वन बिट क्या करेगा, सिंगल बिट के दो नंबर्स को कंपेयर करेगा। दो नंबर्स कौन कौन से, इनपुट के ए एंड बी। अब अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, तो यहाँ पे ये क्या है, लेस देन, ठीक है, ये इक्वल्स टू एंड ये ग्रेटर देन, ये दोनों मेरे क्या है, ये दोनों है मेरे इनपुट, और ये तीनों क्या है, ये तीनों मैं इस लेस देन को हटा देती हूँ, या आप अंडरस्टैंडेबल है, और ये तीनों मेरे क्या है, ये तीनों है मेरे आउटपुट्स, ये तीनों मेरे क्या है आउटपुट्स, ठीक है। अब जीरो जीरो है तो क्या ये लेस देन है, नहीं। अगर मैं दोनों ए की वैल्यू भी जीरो है, बी की वैल्यू भी जीरो, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं, तो सिर्फ एक वाली जो है उसमें तो टेबल में वन वैल्यू आएगी, बाकी इन दोनों में क्या आ जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगा। इस तरीके से हमें ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में भी हेल्प करेगी। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी हेल्प करेगी, अगेन थ्योरेटिकल पेपर में तो आपको बना के ही आनी है, ये आपका आंसर को कंप्लीट करिए। अगर आप बिना इसके बना के आते हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स डिटेक्ट होने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट सा आंसर लगता है। ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सर्किट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 01, अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सॉरी a के रिस्पेक्ट में, a यहाँ पे हमारी क्या है, MSB है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, और ये LSB है। यहाँ पे a एंड b के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे a जो है वो मेरे MSB है, और यहाँ पे b क्या है, LSB। अगर सपोज मेरी ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनी थी, ए बी एंड देन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तब जो मेरा B होता तब मेरी ये क्या होती, ये MSB होती और ये LSB होती। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, LSB एंड MSB का। तो यहाँ पे जो मेरा वन A है वो B से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरी वैल्यू वन आ जाएगी। A क्या है, छोटा है किससे, B से, तो यहाँ पे बाकी दो रेस्ट वैल्यूज मेरी क्या आ गई, जीरो जीरो दोनों रेस्ट वैल्यूज आ गई। अगेन A मेरी क्या है, MSB क्या है मेरी वन, और LSB क्या है जीरो, तो ये क्या है सिर्फ ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे वन है और बाकी दो रेस्ट जगह क्या गया, जीरो। अगेन वन वन, ए बी वन, बी वी वन, दोनों क्या है इक्वल, यहाँ पे मेरा वन आ गया, यहाँ पे जीरो एंड यहाँ पे जीरो। अब मुझे ये तो पता है कि मेरे आउटपुट आ गए, बट अगर मुझे इन्हें लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, अगेन यही सारी चीज़ें भी मुझे आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बी ग्रेटर देन ए की, तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, लेसर देन वाले की, लेसर देन वाले की यहाँ ये किसकी बात करें, इक्वल की, और ये हम किसकी बात करें, ग्रेटर देन वाले की इसको, या फिर आप इजी समझने के लिए एल भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमें लेग की बात करें, ठीक है। तो अगर मुझे सबसे पहले इसका आउटपुट लिखना हुआ तो यहाँ पे मैं कौन सी टर्म कंसिडर करूँगी, सिर्फ ये वाली ट्रुथ टेबल की लाइन ही कंसिडर करूँगी। यहाँ से मेरा आउटपुट क्या आएगा, अगर मुझे यहाँ पे से आउटपुट लिखना हुआ लॉजिकल एक्सप्रेशन में, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए नॉट बी, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए
डैश बी, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटू बी। अब अगर मुझे लिखना हो इक्वल टू, इक्वल टू में कहाँ कहाँ पे आ रही है सर, जब जीरो जीरो सम, जब सेम मेरे इनपुट्स हैं वहाँ वहाँ पे वैल्यूज आ रही है, तो एक तरीके से यहाँ पे इसे क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश प्लस ए बी, या फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ए बार बी बार प्लस ए बी, इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें लिखना आना चाहिए। अगेन हमने प्रीवियस वाले सेशन में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब मुझे लिखना है ग्रेटर देन वाली, मतलब अब मुझे कौन सी टेबल कंसिडर करनी है, ये वाली टेबल कंसिडर करनी। तो यहाँ पे मेरे कहाँ आ रहा है, इस वाली टर्म पे आ रहा है, तो इस वाली टर्म को मैं कैसे लिखूंगी, इस वाली टर्म को अगर मुझे लिखना हुआ तो यहाँ पे से मेरे क्या आएगा, ए बी बार, या फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ए बी डैश। ये तो मेरे क्या हो गए, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गए। अब मैं क्या कहती हूँ, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इन्हें गेट्स के फॉर्म में, लॉजिक गेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है या इम्प्लीमेंट करना होता है, तब मैं कैसे करती। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेमेस्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाली सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो आपको इसमें ये ध्यान होना चाहिए कौन से गेट्स, कितने नंबर ऑफ गेट्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से गेट्स यूज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हमें ये पता है हमारा आउटपुट क्या है, अगर मैं लेस देन की बात करूँ तो मेरा आउटपुट है ए बार बी, ठीक है, इक्वल्स टू की बात करूँ तो मेरा आउटपुट है ए बार बी बार प्लस ए बी, और अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या है, ए बी बार। मुझे आउटपुट्स पता होंगे तभी मैं क्या कर पाऊँगी, गेट से इम्प्लीमेंटेशन कर पाऊँगी। अगर मुझे आउटपुट्स ही नहीं पता होगा, अगेन कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो इम्प्लीमेंट करते, सबसे पहले दो आउटपुट, सॉरी दो इनपुट है, कौन कौन से, ए एंड बी, ये हो गया ए, और यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे हम बना लेते हैं बी, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे मुझे ए का नॉर्मल इनपुट भी चाहिए एंड इन्वर्टेड इनपुट भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉट गेट लगा देती हूँ ताकि मुझे क्या मिल जाए, इन्वर्टेड इनपुट मिल जाए, इन्वर्टेड इनपुट मिल जाए। तो मैंने दोनों जगह ही दोनों इनपुट्स में क्या कर दिया, इन्वर्टेड नॉट गेट यूज़ कर लिया, ताकि नॉट गेट क्या होता है, मेरा इन्वर्टर यूज इन्वर्टर होता है, तो यहाँ से मुझे इन्वर्टेड आउटपुट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पे कौन सा गेट यूज़ होना है, मल्टीप्लीकेशन यूज होना है, मल्टीप्लीकेटिव किस में होता है, एंड गेट में होता है। तो तुरंत मुझे ये भी ध्यान होना चाहिए कि आगे मेरे कौन सा गेट यूज़ होने वाला है, एंड गेट यूज़ होने वाला है। एंड गेट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरे कौन से बन गए, एंड गेट ड्रॉ हो गए। ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए। अगेन ये डायग्राम्स आपके अगर सेमेस्टर्स में हैं, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको सेमेस्टर एग्जाम्स लिखने हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एंड अगेन अगर आप नॉर्मल एग्जाम्स दे रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे, तो आपको डायग्राम तो चलो इतना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे लॉजिक गेट्स कैसे यूज़ हो रहे, कितने कौन से गेट्स यूज़ हो रहे, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़े आउटपुट्स पे भी ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि आउटपुट्स हमसे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेसर देन के लिए, तो हमें क्या यूज़ करना है, ए एंड बी नॉट, तो मतलब मुझे बी का बी नॉट चाहिए होगा, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से ले लेती हूँ, नॉट गेट तो यहाँ से, मतलब इन्वर्ट यहाँ से हुआ है, तो अगर मैं इसको ले लूँ यहाँ तक और इसमें ये इनपुट कर दूँ, तो यहाँ पे से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी, वो मुझे मिलेगी ए नॉट बी, जो कि मेरी क्या है, लेसर देन वाली वैल्यू मुझे दे रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं पहले सबसे फिर इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ ग्रेटर देन वाली। अब यहाँ पे मेरे को मुझे बी कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया, लेकिन अगेन ए चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से ए भी ले लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसका आउटपुट चेक करूँगी, यहाँ से मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए बी बार, मतलब मुझे ग्रेटर देन वाली भी वैल्यू मिल गई। अब हम बात करते हैं इक्वल्स टू वाले की, इक्वल्स टू वाले को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो यहाँ पे मेरा एक और गेट यूज़ हो रहा है, एडिटिव क्या होता है, और गेट होता है, तो यहाँ पे से मुझे और गेट यूज़ करना है, बट कैसे यूज़ करूँगी यहाँ पे मैं देखती हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इन दोनों गेट्स के बीच में क्या करूँ, और गेट का इम्प्लीमेंटेशन कर दूँ, किसका, और गेट का, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से एक इनपुट ले रही हूँ एंड एक इनपुट यहाँ से ले रही हूँ, इन दोनों में मैं क्या करवा रही हूँ, इन दोनों में मैं ऑरिंग करवा रही हूँ, ये मेरा क्या बन गया, और गेट। बट यहाँ पे से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तरीके से क्या है, एग्जॉर है, तो यहाँ पे कौन सा गेट लगेगा, एग्जॉर गेट लगेगा, और यहाँ से जो मेरे आउटपुट आएगा
वो मेरा आउटपुट क्या होगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, जो कि मेरे किसके इक्वल है, जो मेरे इक्वल्स टू की मुझे वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे से अगर मुझे लिखना हो कि कौन से गेट कितने यूज हो रहे हैं, तो मुझे ये ध्यान में रखना चाहिए कि नॉट गेट कितने यूज हो रहे हैं, नॉट गेट दो यूज हो रहे हैं, एंड गेट कितने यूज हो रहे हैं, एंड गेट एक यूज हो रहा है, और दूसरा कौन सा है, एग्जॉर गेट कितने यूज हो रहा है, एक यूज हो रहा है। ये डेटा मुझे गेट और ESC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इसरो बार के और किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये डेटा थोड़ा सा पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सेमेस्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये डेटा भी मतलब सॉरी अगर सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डेटा के साथ साथ ये डायग्राम भी याद होना चाहिए। यहाँ पे आप और लिख सकते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन, ए बार हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। इस तरीके से हमें आउटपुट फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वन बिट कंपैरेटर। तो कैसे वन बिट कंपैरेटर ही होता है, नहीं टू बिट कंपैरेटर भी होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें किस तरीके से हमें करना होता है, चलिए देखते हैं। अब टू बिट कंपैरेटर क्या हो गया, अब वन बिट तो क्या कर रहा था, सिर्फ वन बिट के दो बाइनरी नंबर का कंपैरिजन कर रहा था। अगर मेरे पास दो बिट के दो बाइनरी नंबर हो गए तो क्या वो उससे कंपेयर कर पाएंगे, नहीं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टू बिट कंपैरेटर चाहिए होगा। तो टू बिट कंपैरेटर आखिर क्या करता, क्या टू बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करता है ऑफ ईच ऑफ टू बिट्स। वो दोनों नंबर क्या होते हैं, टू बिट्स के नंबर्स होते हैं। अगेन जो आउटपुट होंगे वो मेरे लेग के फॉर्मेट में होंगे, मतलब लेसर देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसी फॉर्मेट में मुझे क्या मिलेंगे आउटपुट, यही तीन मिलेंगे साथ ही साथ। और यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे टोटल इनपुट कितने हो जाते हैं, टोटल इनपुट थ्री हो जाते हैं और आउटपुट कितने हो जाते हैं, थ्री हो जाते, सॉरी फोर इनपुट्स एंड थ्री आउटपुट्स। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखते हैं। अगेन अगर मैं इसका बोल दूँ कि इसका अगर मुझे ट्रुथ टेबल बना के अगर सॉल्व करके बताओ, तो चलिए इसकी अगर मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे से हम अगर ट्रुथ टेबल देखना चाहें तो देखो ट्रुथ टेबल हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे से आप ये लिख सकते हैं जी, किसकी जी ई एंड एल की वैल्यू लिख सकते हो। तो ये की तो क्या हो जाएगा हमारा लेसर देन, ये इक्वल टू और ये ग्रेटर देन, ये हो गए। अब यहाँ पे अगर आपको ये बात पता हो, अगर हमें मिनिमाइजेशन करना हो तो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं मिनिमाइजेशन के क्या यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ मिनिमाइजेशन के लिए के मैप यूज़ करती हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं बनाती हूँ ग्रेटर देन वाले के लिए, मैं किसके लिए बना रही हूँ, ग्रेटर देन वाले के लिए, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मुझे इसका के मैप बनाना हो तो टोटल मेरे पास टोटल के मैप्स में सेल्स कितने होंगे, बिल्कुल फोर है तो मतलब 16, फोर इनपुट्स हैं तो कितने होंगे, 16 सेल्स होंगे। तो चलिए फटाफट से ये मैंने क्या किए, 16 सेल्स बना लिए ताकि मैं क्या कर सकूँ, उसके जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट कर सकूँ एंड देन उसको मिनिमाइज कर सकूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड लिखेंगे वन की वैल्यूज, क्यों, क्योंकि वन की कंपैरेटिवली वैल्यूज कम है। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट्स की बात करूँ तो इनपुट्स क्या है, ए वन ए नॉट एंड बी वन बी नॉट, ठीक है। वन फिल करो कौन कौन सी पोजीशन पे, यहाँ पे अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ तो वन कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। के मैप हमें फिलिंग आनी चाहिए, अगर के मैप हमें फिलिंग नहीं आती है तो कहीं ना कहीं अगेन हम गड़बड़ कर ही जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ ग्रुपिंग की, तो देखो एक तो सबसे पहले मुझे ये ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप बन गया। अब इस वन को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, अगेन यहाँ पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग की प्रायोरिटी हाई होती है तो मैं एक पेयर यहाँ पे क्रिएट कर दूंगी। अगेन इस वन को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि पेयर की प्रायोरिटी हाई होती है तो मैं एक पेयर यहाँ पे बना दूंगी। तो यहाँ पे से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे से मेरे फाइनल आउटपुट क्या है के मैप की हेल्प से, तो क्वाड का जो बना, क्वाड में मेरा क्या आएगा, क्वाड में मेरा आएगा यहाँ पे से अगर मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने की ट्राई करूँ, तो यहाँ पे से आएगा मेरा ए ए वन बी बी वन बार। क्वाड का जो एक्सप्रेशन आया है, क्वाड का एक्सप्रेशन मेरा क्या है, ए वन इंटू बी वन बार प्लस, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एसओपी फॉर्म में। इस चीज़ का ध्यान रखना, वन में हम क्या लिखते हैं हमेशा एसओपी में, हम हमेशा हाई आउटपुट्स को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे भी हम किस में लिख रहे हैं, एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले की, ये जो है हमारे जो ये पेयर बन रहा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या मैं लिखूंगी, ए वन ए नॉट एंड बी नॉट बार प्लस। अब हम बात करते हैं इस वाले पैर की कि इस वाले पैर में हमारा क्या बन रहा होगा, तो अगर इस वाले पैर की मुझे लिखना हो तो यहाँ पे बनेगा ए नॉट बी वन बार बी नॉट
बार। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किसका है, ग्रेटर देन का एक्सप्रेशन है। तो क्या मैं इसे और मिनिमाइज कर सकती हूँ, क्या मैं इसे और मिनिमाइज कर सकती हूँ? तो नहीं, मैं इसे और मिनिमाइज नहीं कर सकती। जैसे मैंने ग्रेटर देन का लिखा वैसे ही मैं इक्वल टू और लेसर देन का भी लिख लूँगी। तो यहाँ पे तो मैं इस पूरे के मैप को एक एक को ड्रॉ करके वो स्टेप स्किप कर रही हूँ, बट वो आपको बना के साथ लिखना है। मैं अगर इसका डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो इक्वल टू का जो मेरा आउटपुट है वो क्या आएगा, या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए नॉट एक्सॉर बी नॉट बार इनटू ए वन एक्सॉर बी वन का होल बार। सिमिलरली अगर लेसर देन के लिए मुझे लिखना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वन बार बी वन प्लस ए नॉट बार बी वन बी नॉट प्लस ए वन ए नॉट बार, दोनों पे बार है, एंड देन बी नॉट। ये एक्सप्रेशंस मुझे फाइंड आउट करने आने चाहिए। एंड एसओपी में हमें कैसे लिखना है, पीओएस में कैसे लिखना है, हमें मिनिमाइजेशन कैसे करना है, के मैप से हम मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, बुलियन अलजेब्र के आइडेंटिटीज लगा के कैसे मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम बहुत आराम से पढ़ चुके हैं, बहुत आराम से एक एक चीज़ को सीखा है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड वो प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो वो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो था हमने टू बिट कंपैरेटर्स के बारे में बात की। तो क्या सिर्फ हम टू बिट्स के बारे में बात कर सकते, क्या और किसी तरह के कंपैरेटर्स नहीं हो सकते? लेकिन अगर मुझे इसका भी इम्प्लीमेंटेशन अगर बोल दिया जाए कि मुझे क्या करो, इसका इम्प्लीमेंटेशन करके बताओ, किससे, लॉजिकल गेट से, तब मुझे कैसे करना है, तो फटाफट से चलिए इसके लिए देख लेते। अगेन इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ हम तभी कर पाएंगे जब हमें इसके एक्सप्रेशन रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन पता हो। तो यहाँ पे मुझे इनपुट्स कितने चाहिए, मुझे यहाँ पे चार इनपुट्स चाहिए। कौन कौन से, एक तो सबसे पहले ए वन ए नॉट ए वन देन ए नॉट, ये आपको बनाने आने चाहिए। अगर आप अभी सेकंड ईयर में हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए कि हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा गेट कहाँ पे लग रहा है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो अगर डायग्राम हम बना के आते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छा हमें दिखता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और देखने में अगर अच्छा लग रहा है तो उस चीज़ में मार्क्स मिल जाते हैं। अब साथ ही साथ हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे हमें इनके इन्वर्टेड आउटपुट्स भी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हमें इन्वर्टर भी यूज़ करना पड़ेगा, इन्वर्टर यूज़ करना है मतलब नॉट गेट लगाना पड़ेगा, नॉट गेट भी लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, फटाफट से नॉट गेट के साथ भी हम इम्प्लीमेंट करवा लेंगे इसको, कि हमारे नॉट गेट आ गए। और नॉट गेट हमें चारों के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए, पर्टिकुलर के लिए नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से नॉट गेट का भी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। अब ये हमारा नॉट गेट भी हो गया, अब हमारे पास नॉर्मल इनपुट भी और इन्वर्टेड इनपुट भी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है। तो इसके लिए मुझे क्या है, टर्म्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा क्या है, ए नॉट, ठीक है, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद बी वन, देन बी नॉट, बी नॉट का भी इन्वर्टेड फॉर्म, और इसमें क्या हो रहा है, मेरा एंड गेट लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आप यहाँ पे से इसको देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे से हमें रिजल्ट्स पता होने चाहिए, तभी हम इन्हें क्या कर पाएंगे, रिस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। अभी हम किसके लिए लिख रहे हैं, ग्रेटर देन के लिए लिख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैंने अभी जो टर्म लिखी वो कौन सी लिखी, ये वाली ए नॉट ए वन ए नॉट एंड बी नॉट, ठीक है। अब अगेन मेरी दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म अगर मैं बात करूँ, चलिए ये वाला पेन यूज़ कर, ये रेड पेन यूज़ करें ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रहे। अब उसके लिए मुझे क्या लिखना है, ए वन ए वन एंड देन सेकेंड टर्म मेरी क्या है, सेकेंड टर्म है बी वन नॉट, बी वन नॉट मतलब मुझे कौन सी टर्म यूज़ करनी है उसके बाद, ये वाली। इसमें भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब एंड गेट लग रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हो सकता है यहाँ पे डायग्राम पूरा ना बन पाए, बट जितना भी बन पाएगा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बाकी आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ए वन ए वन, ठीक है। इसके बाद अगर ए वन के बाद अगर मैं बताऊँ तो बी मेरे पास आ रहा है ए नॉट
A1, A0 एंड देन इसके बाद आ रहा है B0 बार, मतलब ये दोनों। अब इन सब में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन मतलब ORing गेट का अप्लाई हो रहा है, तो OR गेट का अप्लाई हो रहा है तो ये सारे आउटपुट्स मेरे कहाँ जाएंगे, OR गेट में जाएंगे। तो फटाफट से हम यहाँ पे क्या करते थे, OR गेट को इम्प्लीमेंट कर देते, ये मेरा OR गेट आ गया और यहाँ से जो मेरा आउटपुट आएगा वो मुझे क्या देगा, वो मुझे A ग्रेटर देन B की वैल्यू दे रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आउटपुट में आंसर गलत मत कर देना वरना हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम बनाते हैं किसके लिए, अब हम बनाते हैं A इक्वल टू B के लिए। तो इसमें हमें कौन कौन सी चाहिए, हमें चाहिए A0 एंड B0, यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जॉर गेट लग रहा है, दोनों में क्या हो रहा है एग्जॉर गेट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का आउटपुट आ जाएगा एंड देन फिर दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए A1 एंड B1, दो वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है एग्जॉर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा था, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं, इन दोनों का क्या हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट हमें लगाना पड़ेगा, एंड गेट लगाना पड़ेगा। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर एडिशन हो रहा है तब कौन सा गेट लगेगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तब कौन सा गेट लगेगा। यहाँ से मेरा आउटपुट क्या बनेगा, A=B का मुझे आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बनाया, हम लेसर देन के लिए भी यहाँ पे स्पेस वैसे थोड़ी सी कम है बट आप यहाँ पे बना लीजिएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ए लेसर देन बी का क्या बनाना है, यहाँ पे आपको लॉजिकल डायग्राम बनाना है या इम्प्लीमेंटेशन करना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट। आपको यहाँ पे आउटपुट पता ही है, बस जैसे जैसे आउटपुट है वैसे वैसे पिक कीजिए एंड देन गेट का यूज़ कीजिए। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कौन सा गेट अप्लाई होगा, यहाँ पे एंड गेट लग रहा होगा, प्लस होते यहाँ पे क्या लगेगा, फाइनली और गेट यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी रिस्पेक्टिव में क्या कौन सा गेट लग रहा होगा, एंड गेट लग रहा होगा। एंड अगेन अगर आप गेट एंड ESC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको अगेन एक चीज़ फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ गेट्स का थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से गेट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से गेट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, अगेन ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अब जैसे 2 बिट भी कंपेयर हो गया, अगर हमें ज़्यादा बिट का नंबर मिल गया तो अब ज़्यादा बिट के हम बात करते हैं 4 बिट का, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात बताऊँ तो क्या है वो IC 7485, ये IC क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल इनपुट्स की बात करूँ तो टोटल इनपुट्स कितने हो जाएंगे, टोटल इनपुट्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल इनपुट्स कितने हो जाएंगे 8। और अगर मुझे यहाँ पे ये शो करना हो अगेन MSB और LSB क्या होगी, तो ये मेरी 8 थी तो क्या होगी MSB और A0 क्या होगा LSB। सिमिलरली B में भी क्या होगा, B3 जो मेरी होगी वो होगी MSB और B0 जो होगा वो क्या होगा LSB। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, अगर हम इसी चीज़ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे तो हम हो सकता है कहीं ना कहीं लैग कर जाए। क्यों, क्योंकि कभी कभार इन्हीं पे ट्विस्ट करके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें अगेन हमें ये तो पता आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिलेगा, LEG फॉर्म में ही मिलेगा या फिर तो लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। तो एक बार हम इसे इसकी थ्योरी फटाफट से पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर 4 to 4 bit number, 2 4 bit numbers को कंपेयर करने के काम में हमारा कौन सा आता है, 4 bit comparator आता है। अगेन अगर ये एग्जाम में आपके आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, एग्जाम्पल लिख के आइएगा अच्छा रहेगा, या फिर अगर आप चाहे तो इस तरह का एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको बुक में इसी तरह का मिलेगा तो कन्फ्यूज ना होइए, हमें यहाँ पे क्या इस तरह का आप यहाँ पे बना सकते हैं जिसे 16-pin भी बोला जाता है, ठीक है 16-bit। आप क्या करते हैं, कंपेयर ईच बिट ऑफ ईच नंबर टू दैट ऑफ द अदर एंड प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट हमें पता क्या आएंगे, 3 फॉर्मेट में आएंगे, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। अब इससे रिलेटेड आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं अगेन 16s के, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन अगेन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो जो कि हमें याद होना चाहिए। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर दो फर्स्ट बिट्स अगर जैसे मैं बात करूँ इसकी बात करूँ तो अगर B3 और A3 इक्वल होंगे तो हम उनको छोड़ के जस्ट उनके बाद वाली मतलब A2 एंड B2 कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों भी इक्वल होंगे हम किसको कंपेयर करेंगे 8
A1 एंड B1 को कंपेयर. अगर सपोज वो दोनों भी इक्वल हुए तो हम किसको कंपेयर करेंगे, A0 और B0 को कंपेयर करेंगे. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी. बस वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी. अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, इफ A3 इज 1 एंड B3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B. यहाँ पे आप बता सकते हैं ट्रुथ टेबल बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी ट्रुथ टेबल बन जाएगी एंड यहाँ पे टाइम वेस्ट ही हुआ. तो जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा देती हूँ, तो आप फटाफट नोट कर दीजिएगा. अगर A1 की हमारी A3 की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब MSB की वैल्यू ज़्यादा है दूसरे जो नंबर जिसे हमें कंपेयर करना है उसके MSB से, तो ऑब्वियसली हम पहले ही देखते बता देंगे कि A इज ग्रेटर देन, मतलब जो नंबर है जो जिससे हम A या B अज्यूम मान के चले वो नंबर बड़ा है दूसरे वाले नंबर से. अगर दोनों इक्वल हो गए, इफ A3 इज इक्वल्स टू B3, इस वाली कंडीशन में हम किसे कंपेयर करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले बिट को, मतलब हम अब चेक करेंगे किसे, A2 एंड B2 को. देन चेक A2 एंड B2. अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इफ A2 इक्वल्स टू 1 एंड B2 इक्वल्स टू 0, तब अगेन मेरी जो कंडीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देन A इज ग्रेटर देन B. अगेन ये कंडीशन आ गई. अब अगर सपोज ये मान के चलो कि A2 एंड B2 भी सेम हो गए, अब यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, इफ A3 इक्वल्स टू B3 एंड A2 इक्वल्स टू B2, तो अब जिसे हम कंपेयर करेंगे वो क्या होगा, वो होंगे B1 एंड A1. इफ A1 इक्वल्स टू 1 एंड B1 इक्वल्स टू 0, देन अगेन A इज ग्रेटर देन B. आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं. लेकिन कंपेरिजन, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंपेरिजन हमेशा MSB से स्टार्ट होगा, कभी भी LSB से कंपेयर करना स्टार्ट मत कर देना. LSB को हम सबसे एंड में कंसिडर करते हैं, फिर सबसे एंड में ही कंपेयर करते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. चलो अब ये मैं मान के चलती हूँ अगर मेरी A1 एंड B1 भी इक्वल आ गए, सपोज अगर कोई केस आ गया जिसमें A1 एंड B1 भी इक्वल है, हम यहाँ पे फोर्थ केस मान के चल रहे हैं, इफ A3 इक्वल्स टू B3 एंड A2 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू B1, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, इफ किसको कंपेयर करेंगे, A0 और B0 को. किसको कंपेयर करेंगे, A0 और B0 को. अब जो हमारा आंसर डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, A0 और B0 पे डिपेंड करेगा. अब अगर हम यहाँ पे मान के चला गई 1 एंड 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे से मेरा आंसर क्या जाएगा, A इज ग्रेटर देन B. बट सपोज ये सारी कंडीशन चल रही है और A0 और B0 भी इक्वल आ जाते, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या जाएगा, अगर इस वाले केस में, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, अगर इसी वाले केस में मेरा क्या हो जाता, इफ A0 इक्वल्स टू 0 एंड B0 इक्वल्स टू 0, तब मेरी क्या आंसर आ जाता, तब मेरा आंसर आ जाता A इक्वल्स टू B. इस चीज़ का ध्यान रखेगा. और अगर इसी वाले केस में मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूँ, अगर मैं इसमें ये बोल दूँ कि A0 इक्वल्स टू 0 एंड B0 इक्वल्स टू 1, तब मेरा क्या आंसर आ जाता, A इज लेसर देन B. इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ये अगेन क्या है, कंपैरिजन है. आप यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल बना के भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपके आंसर्स यही पॉइंट्स आएंगे जो कि यहाँ पे हमने लिखे. तो इतनी बड़ी ट्रुथ टेबल बना के उसको समझ के इतना टाइम लगाने से बेटर है जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जिस पे एक्चुअली हमें ध्यान देना चाहिए, हम उसी चीज़ पे ध्यान दें. जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा अनअकैडमी भी ऐप, लर्निंग ऐप भी यही करता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ एग्जाम में आ सकती है और जिस तरीके से आ सकती है, हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए उस चीज़ को पढ़ने के, वही सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है. फालतू जो स्टफ़ है कि जो हमें पढ़ना ही नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, हम उसमें को पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करें, इसके बदले तो हम कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, कुछ रिलेवेंट कंटेंट पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए एग्जाम में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. चलिए अब इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं. अब अगेन यहाँ पे अगर मुझे वैल्यूज़ लिखनी पड़ जाए, रिस्पेक्टिव ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, तो हम उसके क्या करेंगे, ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हम ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेसर देन की वैल्यू लिख सकें. क्यों, क्योंकि फिर हमें इसके बाद हमारा 8-bit कंपैरेटर आ गया, तो मैं काम करती हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देती हूँ ताकि हमारे क्या, हमें ये वैल्यूज़ भी ध्यान रहे, ठीक है.
अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो देखो याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले हमें MSB को कंपेयर करना है, तो MSB की वैल्यू लिखो, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे बी नॉट आएगा, देन फिर एक एक वैल्यू को और इंक्लूड करते जाइए। अब यहाँ पे क्या होगा, A3 XOR B3 का होल बार। अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इससे छोटी वाली बिट्स, मतलब A2 और A2 एंड B2 एंड अगेन बार प्लस। अब ये आ गई, अब इन दोनों का XOR कर दो एंड देन A1 B1 को इंक्लूड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3 XOR B3 का बार इंटू A2 XOR B2 का बार इंटू A1 B1 का बार प्लस। अब अगेन ये भी आ गया, अब मुझे लास्ट हम किसके साथ लिखने, A0 और B0 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे से मैं यहाँ पे से लिखना स्टार्ट कर दूँ ताकि पूरी कवर हो जाए, A3 XOR B3 होल बार प्लस A2 XOR। यही बेस्ट तरीका होता है इसे याद करने का, वरना ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि याद तो चलो एक बार की हो भी जाए बट कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इस चीज़ को ऐसे ही याद रखो, MSB से LSB की तरफ चलते रहो। तो A1 XOR B1 होल बार एंड अब अगेन मेरे कह रहे हैं कि A0 B0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, A0 एंड B0 का बार। तो क्या आप मुझे इसको भी एग्जीक्यूट करना, नहीं बस इसको यहीं पे छोड़ दो, ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, A ग्रेटर देन B की वैल्यू हो गई। अब हम लिखते हैं इक्वल टू का, अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू मतलब A=B, अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना होता तो मैं कैसे लिखूंगी, तो देखो इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे लिखो सबसे पहले A3 XOR B3, ये हो गया। अब यहाँ पे अगेन बार, अब यहाँ पे एडिशन की जगह क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर। अब यहाँ पे मेरी कौन सी टर्म आएगी, A2 XOR B2 कॉम्प्लीमेंट इनटू A1 XOR B1 कॉम्प्लीमेंट इनटू, अब कौन सी टर्म रह गई, बिल्कुल A0 एंड B0, A0 XOR B0 इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो चारों टर्म हो गए। अब ये मेरा पूरा किसका हो गया, इक्वल टू का हो गया। अब हम लास्ट वाला रिजल्ट लिख लेते हैं जो कि हमारा क्या है, लेसर देन का, मतलब यहाँ पे क्या होगा, A इज लेस देन B, इसका आउटपुट लिखना होता अगेन, यानी कि इसका आउटपुट काफ़ी हद तक मेरे ग्रेटर देन के आउटपुट से मिलता जुलता है, तो बस हमें वही लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A3 इस बार A पे चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम ही फॉलो होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, A3 XOR B3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल बार इनटू क्या हो जाएगा, अब इससे जस्ट लेसर वाली बिट A2 एंड B2, लेकिन बार किस पे चल रहा है, A पे चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगेन प्लस यहाँ पे क्या आएगा, A3 XOR B3 होल बार इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 XOR B2 का होल बार। अब क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, जस्ट इससे छोटी वाली बिट, मतलब A1 एंड B1, अगेन A पे बार, प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म आएगी हमारी A3 XOR B3। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये ही तरीका रहता है सबसे इजी इसको याद करने का, वरना अगेन अगर हम इसके फॉर्मूलाज देखते तो एक बार के लिए तो सिर चकराने लग जाता है कि यार इसको याद कैसे करेंगे, आखिरकार ये याद होंगे तो होंगे कैसे। तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसको याद करने का, अगेन अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वरना रटना तो है ही, हमें फाइनली आंसर तो लिख के आना है, ऐसे थोड़ी कि हम आंसर छोड़ेंगे। अब यहाँ पे अगेन हमारी क्या है कि लास्ट टर्म, तो यहाँ A0 एंड B0 अगेन A पे बार, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हमारे आउटपुट हो। अब जैसे हम 4-bit कंपैरेटर है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, 8-bit कंपैरेटर भी होता है। तो चलिए हमने जैसे 4-bit के बारे में जाना, अगेन आप इस ये डायग्राम बना सकते हैं, फिर ये वाला डायग्राम बना सकते हैं एंड एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, IC 7485 इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर इसका एग्जाम्पल हमें लिखना होगा। अब देखो 8-bit comparator क्या होता है, 8-bit comparator is nothing but it is used to compare 8-bit number। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, दो 4-bit
यहाँ पे 2 4-bit कंपैरेटर यूज करके ही हम 8-bit को कंसिडर करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे हम कैस फॉर्म में लगा रहे हैं इनको, कैस्केड फॉर्म में लगा रहे हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए। इन द लोअर ऑर्डर कंपैरेटर आउटपुट आर कनेक्टेड टू रिस्पेक्टिव कैस्केड इनपुट्स ऑफ हायर आउटपुट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लोअर के हैं उनके से हम कनेक्ट कर देंगे हायर वाले से कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं लोअर वालों को किससे कनेक्ट कर दिया, हायर वाले से कनेक्ट कर दिया। फॉर लोअर ऑर्डर कंपैरेटर द ए बी कैस्केड इनपुट मस्ट बी कनेक्टेड टू हायर। अब इस वाले को हम किससे, ये यूज हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो ए इक्वल टू बी है इसको सिर्फ क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। बाकी सबको, बाकी जो दोनों हैं इन दोनों को क्या रखेंगे, बाकी इन दोनों को लो रखेंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको क्या रखेंगे, हम हाई रखेंगे। एंड जो इन बाकी के दो हैं इन दोनों को क्या रखेंगे, लो रखेंगे। यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखी है। फॉर लोअर ऑर्डर कंपैरेटर द ए इक्वल्स टू बी कैस्केड इनपुट मस्ट बी कनेक्टेड टू हाई, मस्ट बी कनेक्टेड टू हाई, वाइल द अदर टू कैस्केड इनपुट मस्ट बी कनेक्टेड टू लो। अदर दो इनपुट्स कौन से बचे, लेसर देन और ग्रेटर देन वाले, जिन्हें हम क्या रखेंगे, हमेशा लो रखेंगे। द आउटपुट ऑफ हायर ऑर्डर कंपैरेटर बिकम्स द आउटपुट ऑफ 8-bit कंपैरेटर। अब जो हायर ऑर्डर के होंगे, हायर ऑर्डर कौन से, ये वाले MSB, तो ये जो फाइनल मुझे ये तीन आउटपुट्स दे रहे होंगे, ये जो तीन मुझे आउटपुट्स दे रहे होंगे, यही मेरे क्या होंगे, फाइनल आउटपुट होंगे किसके, 8-bit कंपैरेटर्स के। अब इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें कंपैरेटर्स कौन कौन से पढ़ने थे, हमें यहाँ पे 1-bit पढ़ना था, हमने एंड मैग्नीट्यूड पढ़ लिया जो जनरल था, उसके बाद 1-bit, 2-bit, 4-bit एंड 8-bits के हमारे बारे में पढ़ना था, ठीक है। अब यहाँ पे आई गेस आपका कंपैरेटर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, अब यहाँ पे हम अगर नाम से एक बार जाने, थ्योरी भूल जाते हैं एक बार के लिए, नाम से जाने। यहाँ पे हमें मल्टी वर्ड देखते ही एक चीज़ याद आ रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मल्टी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हो रही है। प्लेक्सर देख के हमें मिक्सर की कुछ याद आता है कि प्लेक्सर मिक्सर ऐसे करके, कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे सर्किट्स या फिर इनपुट्स यूज करके कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो बस यहाँ पे यही थ्योरी में लिखा हुआ है, इट्स ए कॉम्बिनेशन सर्किट विच हैव मैनी डेटा इनपुट्स। यहाँ पे क्या होता है, डेटा इनपुट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सिंगल आउटपुट होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल आउटपुट होता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, कंट्रोल या फिर सेलेक्ट इनपुट पे डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें और जानेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उस पे चाहे पे ध्यान दे देते हैं। फॉर 2 की पावर n इनपुट लाइन n सिलेक्शन लाइंस आर रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे हर मल्टीप्लेक्सर में काम आने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। इट रिसीव्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द 2n लाइंस एंड डायरेक्ट इट टू द सिंगल आउटपुट लाइन। चलिए अब इसके बारे में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिरकार मल्टीप्लेक्सर है क्या और यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो, मल्टीप्लेक्सर में जो जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये, सबसे पहले क्या, यहाँ पे क्या होती है, डेटा इनपुट्स। कितने डेटा इनपुट्स हो सकते हैं, यहाँ पे एंड डेटा इनपुट्स हो सकते हैं, अगेन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंगल आउटपुट होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की, ये हमें शॉर्ट में बता रही, जो हमें याद में रखने। डेटा इनपुट्स कितने हो सकते हैं, मतलब इनपुट्स कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया, सिंगल आउटपुट। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर n, जितने भी इनपुट होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होंगी, n सिलेक्शन लाइन होंगी। एक सेकंड, यहाँ पे क्या होंगे, ये 2n इनपुट्स होंगे, तो यहाँ पे क्या है, मेरी n सेलेक्शन लाइंस होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्या है, सेलेक्शन लाइंस, या फिर हम जिसे क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल लाइंस भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे मेरे क्या है, 2 की पावर n इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे मेरे इस चीज़ का ध्यान रखना, एक तो सिंगल आउटपुट होगा, n सेलेक्शन लाइन होगी, और n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इनपुट्स पे हमारे डिपेंड करेगी। इसके बारे में हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर कितने कितने तरह के होता है। अगर हमें इनपुट सिलेक्शन लाइंस बतानी हो इनपुट्स के बेसिस पे, तो हम वो सारी चीज़ें भी निकालना सीखेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मुझे अदर नेम बताओ मल्टीप्लेक्सर के, तो अदर नेम्स क्या होंगे, तो देखो यहाँ पे मैं अदर नेम्स लिख रही हूँ, जो कि अगेन आपके एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, अदर नेम्स ऑफ
मक्स, हम इसे मल्टीप्लेक्सर क्यों क्या बोलते हैं, मक्स भी बोलते हैं. तो इसका ये होगा फर्स्ट डेटा एंड सेलेक्टर, डेटा एंड सेलेक्टर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सेलेक्ट लाइन है, एन सेलेक्ट लाइन है, और एन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे जो टोटल इनपुट्स है उस पे डिपेंड कर रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं मैनी टू वन सर्किट. यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनी इनपुट्स है लेकिन आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, सिर्फ सिंगल आउटपुट आ रहा है. तो इसलिए इसका एक नाम क्या हो सकता है, मैनी टू वन सर्किट. अगेन अगर आपको क्वेश्चन, अगर नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी बात करूँ तो अगर आपको मल्टीप्लेक्सर ना देखे मैनी टू वन सर्किट दे दिए तो आपको खुद को यहाँ पे से इंटरप्ट हो जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक और अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर. अगेन इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम कन्वर्टर पढ़ेंगे. इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट. अब ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम इसे यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट कैसे बोल सकते हैं, तो इसकी भी टेंशन मत लीजिए, हम इसे भी इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे. अब यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट को पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी पढ़े थे. कौन कौन से थे, नैंड और नॉट. मतलब नैंड और नॉट से हम क्या है बाकी के सारे गेट्स बना सकते थे. तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होगा और कैसे होगा ये सारी चीज़ें हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम चलते हैं मेनली पहले ये जानते हैं कि आपके काम मल्टीप्लेक्सर वर्क कैसे करता है. तो ये बेसिक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर स्विचिंग का. तो अगर देखो यहाँ पे अगर मेरी जो स्विचिंग सर्किट है, मतलब जहाँ अगर मैं बोलूँ जो सेलेक्ट लाइन है, कंट्रोल लाइन है, तो देखो अगर ये वन आई नॉट पे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, आई नॉट के अकॉर्डिंग आएगा. अगर आई वन पे है तो किसके अकॉर्डिंग आएगा आउटपुट, आई वन का आएगा. अगर आई टू का है तो अगेन आई टू. अगर सपोज आई एन पे है तो यहाँ पे आउटपुट भी किसके हिसाब से आएगा, आई एन के हिसाब से आएगा. लेकिन इस चीज़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो अभी थ्योरी में पढ़ा वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. क्या है यहाँ पे सिंगल आउटपुट है और यहाँ पे क्या है मल्टीपल डेटा इनपुट्स यहाँ पे लिखा हुआ अभी. तो यहाँ पे क्या है हमारे मल्टीपल इनपुट्स है और ये हमारे क्या है स्विचिंग सर्किट जो सेलेक्ट कर रहा है या फिर डेटा सिलेक्शन जो सेलेक्ट कर रहा है कि आखिरकार हमें कौन से उससे डेटा लेना है. ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं बट हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर हमें पता रहेगी तो अच्छा रहेगा. अब ये कुछ एप्लीकेशंस है कि आखिरकार हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए ही क्यों, हमें कहाँ चाहिए होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में चाहिए होता है, कंप्यूटर मेमोरीज में चाहिए होता है, टेलीफोन नेटवर्क्स में चाहिए होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम कंप्यूटर टू अ सैटेलाइट. ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये आपके बुक्स में भी मिल जाएगा. इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करी क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये सच नहीं पूछा जाता. एंड गेट एंड मैं ESC की भी बात करूँ तो वहाँ पर इतना नहीं पूछा जाएगा बट हमें बस इतना मेनली पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर यूज़ आता है. तो मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ आता है, कंप्यूटर मेमोरीज में काम आता है, टेलीफोन नेटवर्क्स में काम आता है, एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम कंप्यूटर टू सैटेलाइट्स में भी काम आता है. अब हम बात करते हैं आखिरकार मक्स कौन कौन से तरह के होते हैं. तो देखो सबसे बेसिक मक्स कौन सा होता है, अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो 2 into 1 मक्स आपने सुने भी होंगे या फिर मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं. मैंने मल्टीप्लायर की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, मक्स यूज़ किया. इसके अलावा 4 into 1 मक्स, इसके अलावा 8 into 1 मक्स. आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट, ये आउटपुट को शो कर रहा है और ये इनपुट को शो कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना. ये इनपुट को शो कर रहा है और ये वाली टर्म मेरी किसको शो कर रही है, आउटपुट को शो कर रही है. इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है. इसके अलावा 16 into 1 मार्क्स, ऐसे सिमिलरली 32, 64 फिर 128 इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है. ये सीरीज चलती रहेगी. अब यहाँ पे से हम बात करते हैं कि मुझे डेटा लाइन सेलेक्ट करनी हो तो डेटा लाइन्स यहाँ पे कितनी होगी रिस्पेक्टिव, या फिर यहाँ पे मेरा सिलेक्शन लाइन या कंट्रोल लाइन कितनी होगी. तो देखो कैसे करते हैं, हमारे यहाँ पे जो इनपुट होता है एन वो किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n के, ये हम सबको पता. अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इक्वल्स टू लॉग टू एन, यही आएगा अगर मैं लॉग ले लूँ तो यहाँ पे. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरी m है ये मेरे को क्या शो करेंगी, अब यहाँ पे मेरी जो m है ये मेरे को शो करेंगे डेटा लाइंस. m क्या शो करेंगे, ए डेटा लाइंस, मतलब कितने इनपुट्स हैं हमारे पास. तो देखो और n मेरा क्या है, n मेरा शो कर रहा है यहाँ पे सेलेक्ट लाइन या फिर कंट्रोल लाइन भी बोल सकते हैं.
ठीक है। तो अब अगर मैं अगेन यहाँ पे एम की जैसे जैसे वैल्यू पुट करूँगी उसके हिसाब से आता जाएगा। जैसे ही मैं एम की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो यहाँ पे मेरी जो सिलेक्शन लाइन है वो कितनी आ जाएगी, 1 सेलेक्ट लाइन, 1 सेलेक्ट लाइन। आपको बस क्या याद रखना है ये, वैसे अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हमें निकालना आना चाहिए। अगेन थ्योरी पेपर के बेसिस से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख के आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। 4 into 1 marks में कितनी डेटा लाइन्स होती है हमारी, 2 डेटा लाइन्स, सॉरी सेलेक्शन सेलेक्ट लाइन होती है या फिर कंट्रोल लाइन होती है, ठीक है। आप कंट्रोल लाइन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 8 की बात करूँ तो 8 में कितनी होती है, 3 सेलेक्ट लाइन्स या फिर कंट्रोल लाइंस, अगेन दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 16 में 4। इस तरीके से आपसे जितने भी पूछे जाए आप उनका यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ 2 into 1 marks, क्या क्या 2 into 1 marks है, क्या इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब 2 into 1 marks है तो यहाँ पे से मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई। कौन कौन सी, कि अगर यहाँ पे से मैं इनपुट की बात करूँ, एम की बात करूँ, डेटा इनपुट कितनी है, डेटा इनपुट कितने हैं, तो यहाँ से मेरी क्लियर वैल्यू हो जाएगी कितनी है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे से अगर मुझे ये बताना हुआ सेलेक्ट लाइन कितनी है, सेलेक्ट लाइन भी मुझे पता है कैसे निकालते हैं बिल्कुल, तो यहाँ से जगह मैं फाइंड आउट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको निकालने का एम इक्वल्स टू की पावर एन, और यहाँ पर अगर मैं लॉ एन को सॉल्व करूँगी तो एन लॉ 2 एम, इस तरीके से आएगा। अगेन ये मैं सब में नहीं लिखूंगी तो आप यहाँ पे से एक बार ध्यान रखिएगा कि हम कैसे निकालें, इस तरीके से निकाल। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू log 2 2 की वैल्यू निकालूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, वही मेरी सिलेक्शन लाइन होगी। अब इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊँ तो रिप्रेजेंटेशन जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे काफ़ी यूजफुल रहता है, मतलब काम आता है काफ़ी, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या है, 2 into 1 marks। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 1 रहेगा। इनपुट, इनपुट कितने हैं यहाँ पे, 2 है। कौन कौन से, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा हो गया इनपुट, ठीक है, और ये मेरा हो गया आउटपुट। ये तो हमारा हो गया बेसिक डायग्राम। अब अगर अगर मुझे बेसिस शो करना होता तो देखो ये मेरा क्या है, 2 into 1 marks, जिसमें आउटपुट क्या रहा है, वाई, 2 इनपुट है, मैं ले लेती हूँ i0 and i1। अब एक मुझे क्या चाहिए, सिलेक्शन लाइन, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, तो सिलेक्शन लाइन S। अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊँ, अगेन ट्रुथ टेबल तो सबकी बनती है, तो ट्रुथ टेबल अगर मैं बताऊँ तो ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास इनपुट्स आउट सिलेक्शन लाइन पे डिपेंड करेगा और आउटपुट इस पर। अगर सिलेक्शन लाइन आप क्या क्या ले सकते हैं, डिजिटल की हम बात करें तो या फिर तो 0 लेगा या फिर 1 लेगा, 0 लेगा या 1 लेगा, तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे देखो अगर 0 लेगा तो i0 आएगा, अगर 1 लेगा तो i1 आएगा। अब ये कैसे हो रहा है, तो इस पर बेसिक हम डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। जैसे 2 पिन्स है, ये 2 इनपुट्स हैं, अगर मैं इसका इंटरनल आपको बताना चाहूँगा तो इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे ये स्विचिंग सर्किट है, ये हमारा आउटपुट दे रहा है वायर, और यहाँ पे ये स्विच है, ये 0 और 1 के हिसाब से वेरी करता रहेगा। अगर 0 आएगा तो ये क्या देगा, अगर 0 होगा, सपोज अगर ये 0 होगा तो ये i0 से कनेक्ट हो जाएगा, अगर ये 1 होगा तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, i1 से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे स्विचिंग होती रहती है। अब अगेन यहाँ पे अगर मुझे क्या करना हो, यहाँ पे इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हो, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हो तो यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैं LE लिख रही हूँ लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, LE लिख रही हूँ लॉजिकल एक्सप्रेशन के, तो यहाँ पे क्या आएगा, i0 किसके साथ है, S के साथ, तो यहाँ पे S बार, क्योंकि S की वैल्यू क्या है, 0 plus i1 s, ये इसका क्या हो जाएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमारा हो गया क्या, 2 into 1 marks के बारे में। अब अगर आपको ये अगेन बोल दिया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करके बताओ हमें, तो लॉजिक गेट्स के हेल्प से, तो अगेन हमें इसका पता होना चाहिए। अगेन आप इसे डायग्राम देख सकते हैं, एक यहाँ पे इनेबल भी होता है, जिसको स्विच जो हमारा मक्स है इसको इनेबल करता है, ठीक है। तो आप इसको बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे आउटपुट्स पता होने चाहिए, तो मुझे इसके लिए लॉजिक एक्सप्रेशन, मुझे पता है कि मेरा लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है, s है, तो यहाँ पे क्या है, i0 s plus i1 s, ये हमारा इनपुट है। तो यहाँ पे मुझे s0 की दो वैल्यू चाहिए, तो ये तो मेरा हो गया s और s0, ये हो गया, ठीक है।
ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे से जो मुझे आंसर आएगा वो एस नॉट आएगा। अब मुझे चाहिए आई नॉट एंड आई वन, दो इनपुट्स भी चाहिए। तो ठीक है, ये मैं बात कर लेती हूँ, ये मेरा है इनपुट आई वन, सॉरी आई नॉट, और ये है मेरा आई वन। अब मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, और यहाँ पे ये कौन सा गेट यूज़ हो रहा है, और गेट यूज़ हो रहा है। एडिटिव कौन सा होता है, हमारा और गेट होता है। तो हम फटाफट से यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ इसके साथ कौन सा हो रहा है, एस नॉट। लेकिन इनसे पहले कौन सा यूज़ हो रहा है, एंड गेट हो रहा है। फिर इन दोनों को जो आउटपुट होगी, यहाँ पे से आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा आई नॉट एस बार। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे से मुझे आउटपुट मिलेगा यहाँ पे से जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो होगा आई वन एस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे और इन गेट को अप्लाई करना है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे और गेट को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे से जो मुझे फाइनल आउटपुट मिला वो मेरा क्या होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। या फिर मैं इसको आउटपुट के लिए क्या बोल सकती हूँ, वाई भी यूज़ कर सकती हूँ वाला आउटपुट में। तो इस तरीके से मुझे इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ गेट्स की बात करूँ तो मेरा वन नॉट गेट, ठीक है, टू एंड गेट एंड वन और गेट यूज हुआ। ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, रफ आइडिया इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगेन ये सारी चीज़ें मेरे लिए ही बेनिफिशियल रहेगी। तो जैसे 2 into 1 marks होता है, ऐसे हम 4 into 1 marks की भी फटाफट से बात कर लेते हैं। 4 into 1 marks में हमें ये तो पता है कि इनपुट डेटा इनपुट कितने होंगे, डेटा इनपुट हमें ये पता है कितने होंगे, 4 होंगे। तो सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, सेलेक्ट लाइन होंगी 2। अगर अगेन मुझे इसका बेसिक डायग्राम बनाना पड़े तो इसका बेसिक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। आउटपुट तो हमेशा पता है हमें कितना रहेगा, 1 बनेगा। ये 4 into 1 क्या है हमारा, 4 into 1 marks। सेलेक्ट लाइन 2 होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी होगी, S1 एंड S0। आप इस तरीके से नेम रख सकते हैं। एंड इनपुट क्या होंगे, I0, I1, I2 एंड I3। ये मेरे क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगेन इसके ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो, ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो इस बार मेरे इनपुट्स कितने हैं, यहाँ पे मेरे इनपुट्स कितने हैं, 2, S1 और S0। वैल्यू तो अल्टीमेटली S1 और S0 पे डिपेंड करेगी, और वाई मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो अगर 0, 0 वैल्यू हुई तो क्या होगा, 0, 1 हुई तब क्या होगा, 1, 0 हुई तब क्या होगा, और 1, 1 हुई तब क्या होगा। तो देखो अगर 0, 0 हुआ तो मेरा आंसर क्या होगा, I0, फिर देन I1, देन I2 एंड देन I3। अगेन अगर मुझे इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हुआ तो अगेन लॉजिकल एक्सप्रेशन मुझे लिखना आना चाहिए। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, I0 into S1 बार S0 बार प्लस I1 S1 बार S0 प्लस I2 S1 S0 बार प्लस I3 S1 S0। ये मेरा क्या हो गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। बट अगेन अगर मुझे आपको ये बोल दे कि इसका भी मुझे इम्प्लीमेंटेशन करके बताओ लॉजिक गेट से, तो कैसे करेंगे आप, एक बार इसका अगेन डायग्राम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे साथ के साथ बनाया, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है, यहाँ पे मुझे 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए, S1 और S0, और दोनों के ही दोनों चाहिए, मतलब नॉर्मल इनपुट भी एंड इन्वर्टेड इनपुट भी। तो चलो फटाफट से हम ये बनाते हैं, पहले तो S1, ठीक है, एंड इसका इन्वर्टेड S0, ठीक है, एंड देन दूसरा कौन सा चाहिए हमें, S0 एंड अगेन इसका इन्वर्टेड S0 बार। यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, S0 बार, और यहाँ पे क्या हो रहा है, S1 बार, ये आउटपुट आ रहा है। अब हमें क्या है, यहाँ पे तो जैसे D1, D2, D3 आ गए, लेकिन वहाँ पे हमारे क्या थे, I1, I2, I3 इस तरीके से थे, I0, I1, I2, I3। चलिए हम फटाफट से पहले I1 के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा I0, ठीक है, I0 का एंड किसके से होगा, यहाँ पे होगा एक तो S0 एंड देन S1 नॉट,
यहाँ से क्या होगा इसका एंड हो रहा होगा, एंड देन इसके बाद क्या होगा और गेट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले प्रोडक्ट हो रहा है देन एडिशन हो। अब हम बात करते हैं आई वन की। आई वन में क्या हो रहा था, आई वन में क्या हो रहा था, मुझे एस वन चाहिए, कौन सा चाहिए, एस वन नॉट चाहिए एंड एस नॉट चाहिए, एस वन बार एंड एस नॉट, ठीक है। आई टू इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, अगेन आपके गेट के थ्योरेटिकल पेपर के हिसाब से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें एटलीस्ट वो तो हमें आनी ही चाहिए, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए एस वन एंड एस नॉट बार, एस नॉट बार, ठीक है। और फिर लास्ट आई थ्री के साथ क्या चाहिए, आई थ्री के साथ चाहिए मुझे एस वन एंड एस नॉट। ये हमारा टोटल क्या बन गया, टोटल इम्प्लीमेंटेशन बन गया किसका, किसका बन गया हमारा, ये 4 into 1 marks का बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और गेट आ जाएगा, ठीक है। और गेट आते ही यहाँ पे हमारी क्या दे रहा होगा, y इनपुट दे रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान, अगेन अगर मुझे रिस्पेक्टिव इनके इनपुट आउटपुट्स लिखने को बोल दे तो यहाँ पे क्या आएगा, एस नॉट आई नॉट एस नॉट बार एस वन बार, यहाँ पे क्या आएगा आई वन एस वन बार एस नॉट, यहाँ पे क्या आएगा आई टू एस वन एस नॉट बार, और यहाँ पे मेरा लास्ट इनपुट क्या आएगा आई थ्री एस वन एस नॉट। इस तरीके से मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो इस वाले जैसे ही मैं इसका लॉजिकल डायग्राम बनाती हूँ मुझे एक चीज़ ये पता चलता है कि ये क्या है, एक तरीके से ये मार्क्स इज नथिंग बट टू लेवल एंड और नेटवर्क है। इस चीज़ का, इस टर्म का ध्यान रखिएगा, ये टर्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट टू लेवल एंड और नेटवर्क, टू लेवल एंड और नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से एंड गेट एंड और गेट का यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली नेटवर्क हो रहा है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, टू लेवल एंड और नेटवर्क। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे 4 into 1 के बारे में बात की, फटाफट से हम 8 into 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे 8 into 1 मार्क्स भी तो होता होगा। जी हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा इनपुट की बात करूँ, डेटा इनपुट की बात करूँ तो टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे यहाँ पे डेटा इनपुट कितने होंगे, 8 होंगे, बिल्कुल। सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, सेलेक्ट लाइन होंगी, हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल कितनी होंगी, 1 होंगी। आउटपुट हम सबको पता है 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक डायग्राम बनाना चाहूँ तो आप इसको स्ट्रेट ही बना लो तो ज़्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि इसका हम अभी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसमें हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स एंड देन आई सेवन। टोटल इनपुट कितने हो गए 8 और आउटपुट यहाँ पे से कितना है कैसे 1, ये क्या है 8 into 1 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे डेटा लाइंस भी तो होंगे कितनी, 3 एस टू एस वन एंड एस नॉट, कितनी होंगी डेटा लाइंस, 3 होंगी। अब अगेन हमें ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एस टू एस वन एंड एस नॉट, और यहाँ पे मेरी आउटपुट, आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट आएगा आई नॉट। इस तरीके से हमें वैल्यू आनी चाहिए। अगेन मैं अगर आप लोग लिख लेंगे तो यहाँ पे से मेरा भी टाइम सेव होगा एंड आपका भी टाइम सेव होगा। बस हमें लिखना आना चाहिए जो कि हम एक बार सीख चुके। मैं एक बार इसका बता दूँ ताकि हमें 16 into 1 मार्क्स में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या 0 0 0 0 0 1, तो यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या देगा 1, देन आई टू, देन आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स एंड आई सेवन, आई सिक्स एंड आई सेवन यहाँ पे मुझे दे रखा होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे 0 0 1 1 1 1, ये ट्रुथ टेबल बन रही है। अगेन अगर यहाँ पे से आपको आउटपुट लिखने को बोले तो आप यहाँ पे से लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अगेन हमने देखा ही था कि लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें कैसे लिखना होता। अगर मैं यहाँ पे से बोल के अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट इन टू एस नॉट बार
S1 bar, S2 bar plus I1 into S0 into S1 bar, S2 bar. सिमिलरली आप ऐसे जहाँ जहाँ पे जीरो है, जहाँ जहाँ पे जीरो है वहाँ पे आपको क्या लगाना है, बार लगाना है या फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, और जहाँ जहाँ पे वन है वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, पहले प्रोडक्ट करना है देन मल्टीप्लिकेशन करना है। आई जस्ट होप इसमें इतनी शर्त बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जो हमसे 8 × 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब हमें करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 × 1 मार्क्स यूजिंग 4 × 1 मार्क्स एंड 2 × 1 मार्क्स। अगेन सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 × 1 मार्क्स इसमें याद रखिएगा कितने यूज़ होंगे, 2 यूज़ होंगे, एंड 2 × 1 मार्क्स कितना यूज़ होगा, 1 होगा। अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये हो गए हमारा 4 × 1 मार्क्स। एक सेकेंड मैं थोड़ा और क्लियर बनाती हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, ठीक है। इसको ये हमारा क्या है, 4 × 1 मार्क्स। आपको पता है आउटपुट तो एक ही आएगा, लेकिन इनपुट कौन कौन से होंगे, इनपुट होंगे I0, I1, I2 एंड I3। ये हो गए 4 इनपुट्स, ठीक है। सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, सेलेक्ट लाइन 2 होंगी, बिल्कुल सही। कौन कौन सी, यहाँ पे होंगी S1 एंड S0। अब हमें चाहिए 2, तो एक और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, 4 × 1 मार्क्स बनेगा। यहाँ पे एक और मेरा क्या बनेगा, 4 × 1 मार्क्स। अगेन 2 सेलेक्ट लाइन होंगी, कौन कौन सी, S1 एंड S0। अब यहाँ पे जो इनपुट्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे होगा I4, ये I5, I6 एंड I7, ये इनपुट हो गए। अब इसका भी कितना होगा, एक ही आउटपुट होगा, आउटपुट तो एक ही रहेगा चाहे हम कोई सा भी यूज़ करें। अब जो इन दोनों के आउटपुट हैं ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे हमारे 2 × 1 मार्क्स के पास। ये हमारा क्या है, 2 × 1 मार्क्स है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 × 1 मार्क्स। यहाँ पे ये क्या हो गए, 2 इनपुट हो गए, कौन कौन से, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं I0, I1, लेकिन यहाँ पे भी आउटपुट मेरा क्या होगा, आउटपुट अल्टीमेटली Y होगा। और यहाँ पे भी एक सेलेक्ट लाइन यूज़ हो रही होगी जिसको मैं क्या दूंगी, S2। तो अगर आप 8 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 8 इनपुट, 3 सेलेक्ट लाइन, S1, S0 और S2, और मेरे क्या हो गए, ये 8 ही इनपुट होगा और मेरा और आउटपुट क्या वाले निकल रहा है, अल्टीमेटली एक ही आउटपुट निकल रहा है। अब ऐसे हमें इम्प्लीमेंटेशन करने को तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन इसकी ट्रिक्स क्या रहेंगी कि कैसे याद है कि कितने हमें कौन से मल्टीप्लाई यूज़ करने की, हमें कैसे याद रहेगा कि 4 × 1 मार्क्स जो है वो 2 ही यूज़ करना और 2 × 1 एक ही यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें तो हमें ये काफ़ी काम आता है। इस चीज़ के बारे में भी हम ट्रिक्स सीखेंगे जल्दी, लेकिन इससे पहले 8 × 1 को अगर हमें सिर्फ 2 × 1 मार्क्स के से ही सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें हमारे टोटल कितने मार्क्स यूज़ होंगे, 7 2 × 1 मार्क्स यूज़ होंगे। अब ये वाली चीज़ें सारी मेरे को कैसे याद है और आपको भी कैसे याद हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे, ठीक है। तो 2 × 1 मार्क्स, ये 2 × 1 मार्क्स है, ठीक है। आउटपुट ये, इनपुट क्या है, इनपुट हम ले लेते हैं S0 सेलेक्ट लाइन का, और यहाँ पे I0, I1। सिमिलरली एक और S0 आउटपुट Y, यहाँ पे I2 एंड I3, ठीक है। अगेन एक और यहाँ पे भी सेलेक्ट लाइन। इसका मैं आपको एक बार क्लियर डायग्राम भी आपको जब PDF प्रोवाइड करवा दूंगी इसका, तब वो क्लियर डायग्राम भी आ जाएगा, लेकिन ये मैंने इसलिए अगेन छोड़ रखा कि हमें बनाना आना चाहिए। एक और यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो रहा है, अगेन मैं इसको इसको ऐसे कर लेते ताकि स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक और यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक सेलेक्ट लाइन S0 और यहाँ पे कौन सा, I6 एंड I7, ठीक है। अब इन सब के जो इनपुट्स हैं, इन सब के जो आउटपुट्स हैं वो अगेन किस में जा रहे होंगे, एक एक रिस्पेक्टिव 2 × 1 मार्क्स में जा रहे होंगे। ये अगेन मेरा क्या है, 2 × 1 मार्क्स ही चल रहा है अभी भी। अगेन एक सेलेक्ट लाइन तो S0 यूज़ आएगी, इस बार कौन सी होगी, S1 होगी। इन दोनों का भी जो आउटपुट होगा वो एक 2 × 1 मार्क्स में जा रहा होगा,
यहाँ पे भी सेलेक्ट लाइन क्या आएगी, S1 यहाँ पे S0 पहले आई चुकी है, ये भी क्या है 2 into 1। अब जो इन दोनों के आउटपुट हैं ये अगेन फाइनल सिर्फ एक 2 into 1 मार्क्स में जा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल हमारे मार्क्स कितने यूज़ हुए, जितना मैंने पहले बताया था कितने, जी हाँ बिल्कुल 7 ही डे मार्क्स यूज़ हुए। अब ये वैल्यू हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये भी बहुत ही जल्दी सीखेंगे। तो इसी तरह बनी रहिए, देखते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते। तो इस तरीके से हमें क्या बन जाएगा, 8 into 1 मार्क्स बन जाएगा यूजिंग 2 into 1 मार्क्स। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं एक बार 16 into 1 मार्क्स की। अगर 16 into 1 मार्क्स अगर हमें दे दिया जाए तो हम इसे क्या कर लिखेंगे, अगेन यहाँ पे अगर मैं इनपुट की बात करूँ, डेटा इनपुट आपको पता है, डेटा इनपुट आपको पता है कितने होंगे, ये बिल्कुल हाँ सही 16 होंगे। सेलेक्ट लाइन अगर मैं पूछूँ सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, बिल्कुल हाँ 4 होगी। अब इसके हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हैं, S3, S2, S1 और S0, और इसको Y कंसिडर कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे टेबल करेक्ट नहीं मिली इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे क्या आएगा I0, I1, I2, I3, I4, सिमिलरली ये लास्ट वाला आपका क्या रहोगा, I15 आ रहोगा। तो टोटल इनपुट अगर आप आउटपुट देखेंगे तो इनकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वही हमको आंसर करेगी। अगेन यहाँ पे आउटपुट चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ वैल्यूज़ हैं जो रिस्पेक्टिव जो सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करेगी उसके बेसिस पे, लेकिन आउटपुट हमारा अल्टीमेटली क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। अगर इसका भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको लिखने को बोले तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। अगेन अगर 0 है, 0 वैल्यू है तो हमें क्या करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर बार लगा देना है, या फिर 1 है तो डायरेक्टली उसको एज इट इज लिख देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो अगेन हमने इतना कुछ लिखा है तो आपको अभी तक तो समझ आएगी होगा। अगेन मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकती हूँ, बट टाइम वेस्ट होगा तो हम उसको थोड़ा सा बचाते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि अगर मुझे 16 into 1 मार्क्स बनाना हो यूजिंग 4 into मार्क्स तो मुझे कितने मार्क्स यूज़ होंगे, टोटल 5 यूज़ होंगे। अगेन कैसे मैंने निकाली इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। तो देखो 4 into 1 4 तो यहाँ पे यूज होंगे डायरेक्टली, ठीक है, ये 4 तो मेरे क्या है 4 into 1 मार्क्स है। और जो इनके आउटपुट होंगे वो एक मेरे किस में जा रहे होंगे, एक 4 into 1 मार्क्स में जा रहे होंगे। इससे रिलेटेड ट्रिक अभी हम 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल रुके रहिए, फिर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। आपको कोई सा भी मार्क्स बोल दे, कितने से भी आपको डिक्रीज करके बता दे कि इसमें बना के बताओ मुझे, तो आप तुरंत बना के बता देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी, 2 होंगी, कौन कौन सी, S3 और S2। अब S1 और S0 कहाँ गई, S1 और S0 यहाँ पे यूज हो रही होगी हमारी दोनों में, S1 एंड S0, यहाँ पे भी S1 एंड S0, यहाँ पे भी 2 सेलेक्ट लाइन होंगी, कौन कौन सी, S1 एंड S0। अगेन 4 into 1 मार्क्स है तो 4 इनपुट होंगे, यहाँ पे भी 4 होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 16 into 1 मार्क्स को 4 into 1 मार्क्स में से करना, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर इनपुट की बात करूँ तो I0, I1, I2 एंड I3, तो अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, I4, I5, I6, I7, यहाँ से I8, I9, I10, I11, और यहाँ से कौन सा होगा, I12, I13, I14 एंड I15। इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करके इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते, चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अगर हमें ट्रिक इम्पॉर्टेंट हो, चलो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे चलो मैं बात करती हूँ, मुझे 4 into 1 मार्क्स को बनाना है, क्या यूज़ करके 2 into 1 मार्क्स से, तो वैल्यू कौन कौन सी चेंज हो रही है, सिर्फ वैल्यू 4 से 2 जा रही है, 4 से क्या जा रही है, 2 जा रही है। तो 4 से 2 जा रही है तो क्या करो, 4 को डिवाइड कर दो 2 से, आंसर क्या है, 2। अगेन इस 2 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से, क्यों, क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, 2 into 1 मार्क्स यूज़ करना है। तो यहाँ पे से मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1। टोटल दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितने, 3। आप चेक कर सकते हैं जब हमने 4 into 1 मार्क्स अगर आप बनाएंगे 2 into 1 मार्क्स से, तो आपका आंसर कितने मार्क्स यूज़ होंगे, 2 into 1 मार्क्स कितने यूज़ होंगे, 3 मार्क्स यूज़ होंगे, ठीक।
तो अगर यहीं पे अगर मैं बोल दूँ कि 8 into 1 को मुझे किससे बनाना है, 2 into 1 से बनाना है, सिंपली क्या करो, 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया आंसर 4। अब जो 4 आया इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया आंसर 2। 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, अभी कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब आंसर हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए, तो जब इसको ऐड करोगे आंसर क्या आएगा 7। और अगर आपको याद हो तो हमने क्या बनाया था कि हमें अगर 8 into 1 मार्क्स बनाना क्या यूज़ करके, 2 into 1 मार्क्स, तो हमारे कितने मार्क्स यूज़ हो रहे थे, 2 into 1 7 मार्क्स यूज हो रहे थे। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूँ कि 16 into 1 मार्क्स को बनाना है, आपको 4 into 1 मार्क्स है, तो इस बार क्या करो, 16 से किस क्या बनाना है, 4 बनाना है, तो इस बार जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किससे होगा, 4 से होगा। तो यहाँ पे क्या है 4, अगेन कब तक डिवाइड करना है, जब तक 1 ना आए, तो टोटल कितना आ गया 5। और अगर आप देखेंगे जस्ट प्रीवियस जो अभी हमने किया वहाँ पे भी हम कितने मार्क्स यूज़ करते थे, 5 मार्क्स ही यूज़ कर रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये हमारे सर को सबको पता होनी चाहिए। अगेन कोई आपको बोल दे कि मुझे तो ये बताओ कि 8 into 1 मार्क्स बनाना है आपको, 4 into 1 मार्क्स यूज़ करके, तो सिंपली क्या करो, 8 divided by 4 कितना है, कितना है यहाँ पे 2 आया। अब अगर आपको जैसे बोल देता कि यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हमें आपको अब इसके बाद जैसे आपने को अगर याद हो तो अभी हमने एग्जांपल किया था कि 8 into 1 मार्क्स आपको बनाना है क्या क्या यूज़ करके, 4 into 1 मार्क्स यूज़ करके और 2 into 1 मार्क्स यूज़ करके। तो यहाँ पे से तो देखो 4 का क्या आंसर है, 4 वाले तो हमारे पास 2 यूज़ होंगे, और अब अगर 2 into 1 मार्क्स यूज़ करना है तो क्या करो, 2 divided by 2 आंसर क्या है 1। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं 2 into 1 मार्क्स कितना यूज़ होगा 1 और 4 into 1 कितना यूज़ होगा 2। तो इस तरीके से आपको कोई सा भी मार्क्स पूछ ले कि जैसे हायर ऑर्डर का मार्क्स दे दिया और आपको लोअर ऑर्डर मार्क्स से बनाना हो तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल, बस टिक की ध्यान में रखिएगा और आपके सारे मार्क्स बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर यूनिवर्सल, अच्छा इसके लिए एक और चीज़, अगर आपको ये भी याद ना रहे तो आप इस चीज़ का भी याद रख सकते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ 2 की पावर n into 1 मार्क्स बनाने की, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 into 1 मार्क्स में, तो मुझे कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 2 की पावर n-1 मार्क्स चाहिए होंगे। आप यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल, कि ये यूनिवर्सल किस तरीके से होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल होंगे कैसे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गेट की बात करते हैं, कौन सा, नॉट गेट की बात करते हैं, ठीक है। नॉट गेट का अगर हम बात करें तो सिंबल क्या होता है, ये होता है, सबको पता है, एक तरीके से इन्वर्टर होता है। तो अगर मुझे 2 into 1 मार्क्स की बात करूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पे नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है और एक ही सेलेक्ट लाइन के बेसिस पे होता है, तो ये आई नॉट हो गया, ये आई वन हो गया, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मेरे 1 आ गया, ये कौन सा मेरे 2 into 1 मल्टीप्लेक्स है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे से अगर मुझे नॉट के अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊँ, तो यहाँ पे अगर मेरा ये ए है और ये वाई है, तो यहाँ पे क्या आता है, ए और वाई, अगर 0 है तो 1 आ जाता है, और अगर 1 है तो क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ से अगर मैं क्या लिखूँ, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने की बात करूँ, तो यहाँ से मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या आता है, a = y = a बार, यही आउटपुट आता है। तो क्या ये मेरा यहाँ पे भी आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, s को a के इक्वल मान लेती हूँ, ताकि इनपुट मेरा सेम रहे, फिर आंसर मैं सही ना। तो यहाँ पे से अगर मैं s, यहाँ पे से आउटपुट की बात करूँ, तो यहाँ पे आउटपुट हमारे क्या आता है, s बार i नॉट प्लस i वन s, यही आता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको a मान के चल रही हूँ, तो देखो a बार 1 प्लस इंटू प्लस हमारा a इंटू 0। तो यहाँ पे से भी अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे से मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, y = a बार, जो कि क्या है, मेरा इक्वल है। मतलब हम मार्क्स को भी यूनिवर्सल सर्किट इस तरीके से देख सकते हैं। तो मैम आपने तो सिर्फ नॉट का बताया, तो कैसे बाकी गेट्स में भी अप्लाई हो रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल, बाकी गेट्स में भी हो रहा होगा, हम फटाफट से देख लेते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं एंड गेट की, ठीक है। एंड गेट में हमें अगर अप्लाई करना हो तो एंड गेट में हमें सबको पता है 2 इनपुट्स होते हैं, ठीक है, 2 इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है वाई ए बी, ठीक है। या फिर अगर आपके इजी के लिए भी यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एस नॉट और एस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ट्रुथ टेबल यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। सिमिलरली मार्क्स, अब यहाँ पे कौन सा मार्क्स यूज होगा, फटाफट से सोच के बताओ, यहाँ पे कौन सा मार्क्स यूज हो रहा होगा,
यहाँ पे भी हम 2:1 मार्क्स की हेल्प से ही बना लेंगे. कैसे, हम इस इनपुट को तो कर देंगे 0 और इसको हम कर देंगे B और इसको हम क्या कर देंगे S, जिसको हम किसके इक्वल कर लेंगे A. मतलब हम 2:1 मार्क्स से हम किसी भी मार्क्स को यूज़ करके इसका आंसर बता सकते हैं. तो यहाँ से अगर मुझे आउटपुट लिखना हुआ तो यहाँ से मेरा आउटपुट क्या आएगा, S1 I0 जो कि हमारा 0 है प्लस S I1 जो कि क्या है हमारा. अब यहाँ पे मैंने क्या माना, A को तो S को तो A माना है, आई नॉट मेरा क्या है 0 और I1 क्या है मेरा B. बस ये वैल्यू पुट करो एंड आंसर आ जाएगा. यहाँ पे से क्या आएगा A बार 0 प्लस ए बी जो कि मेरा क्या है, मुझे आंसर दे देगा यहाँ पे से मेरा y equals to a b. अब यहाँ पे अगर मैं इस गेट की बात करूँ, यहाँ पे भी जो मेरा आउटपुट आता है वो भी क्या आता है y equals to a b. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है a b, सिर्फ 1 की वैल्यू कंसिडर कर, तो यहाँ से इस चीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है. जैसे ये दो गेट को सेटिस्फाई कर रहा है ऐसे ही ये बाकी गेट्स को भी सेटिस्फाई करता है. चाहे हमारा कोई सा भी गेट हो वो वहाँ पे क्या करता है, इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है. चाहे हमें हम कोई से भी गेट की बात कर ले, ये आपके उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं, एक बार हम क्या करते हैं फटाफट से और गेट की भी बात कर लेते हैं. हम सारे गेट्स का एक बार क्विकली देख लेते हैं ताकि हमें कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. अगेन ए बी वाई, इसका सिंबल किस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है. ठीक है, ए वाई ए बी 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. अगर यहाँ पे से मैं आउटपुट लिखना चाहूँ तो y क्या होता है a प्लस बी, ये मेरा क्या होता है आउटपुट होता है. ये सबको पता है? जी हाँ बिल्कुल हम सबको पता है. अगेन इसका अगर मैं वैसे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे से क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे से अगर मैं बनाना चाहूँ ये मेरा क्या हो गया y हो गया. इस बार मैं इसको b ले लेती हूँ, इसको 1 ले लेती हूँ. क्यों? क्योंकि हमारा जो और गेट का आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, 1 पे डिपेंड करता है. ये 2:1 मार्क्स सेलेक्ट लाइन अगेन जिसको मैं क्या ले रही हूँ, a ले रही हूँ. अब यहाँ पे से अगर मैं आउटपुट लिखना चाहूँ तो इसका आउटपुट क्या होता है, हमें सबको पता है जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा एस नॉट बार आई सॉरी एस एक सेकेंड मैंने नॉट एक्स्ट्रा लगा दिया एस बार आई नॉट प्लस एस आई वन, यही होता है. अब यहाँ पे से अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना हो तो यहाँ पे से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बार बी प्लस यहाँ पे से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटू वन. अगेन यहाँ पे से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बार बी प्लस ए, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती है और हमारा आंसर क्या आता है, ए प्लस बी जो कि हमारा क्या है आउटपुट. क्या दोनों आउटपुट सेम है? जी हाँ बिल्कुल सेम है. अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं ये बता सकती हूँ, यहाँ पे मैंने आई नॉट को क्या लिया है, बी लिया है, आई वन को क्या लिया है, वन लिया है, और जो हमारी सेलेक्ट लाइन है उसको क्या लिया है, ए लिया है. इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए. अब हमारे कौन कौन से गेट है, क्या ये बाकी गेट्स पे भी अप्लाई होता है, तो चलिए एक बार फटाफट से हम उन गेट्स के बारे में बात कर लेते हैं. आप खुद से भी एक बार बना के देखिएगा ताकि आप सबको भी यहाँ पे से पता चल जाएगा. तो देखो हमारा नेक्स्ट गेट क्या है, हम ले लेते हैं नैंड गेट. नैंड गेट का अगर मैं सिंबल बताऊँ तो क्या होता है, हमारा नॉट प्लस एंड का एडिशन होता है. इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ तो, इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो इसकी ट्रुथ टेबल में क्या आता है, 1 1 1 0. आउटपुट लिखना हो तो मेरा आउटपुट क्या आता है, अगर मुझे आउटपुट लिखना हो तो यहाँ पे y की वैल्यू होती है ए बी बार, ये मेरी y की मतलब आउटपुट वैल्यू होती है. अब सिमिलरली अगर मुझे मार्क्स में ये सारी चीज़ें लिखनी हो तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं. अगेन अगर यहाँ पे मुझे लिखना हो तो यहाँ पे तो मेरा आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा b, इस बार क्या आ जाएगा b बार. हमें थोड़ा सा दिमाग लगा करना है. ठीक है, यहाँ पे a आ गया, ठीक है, यहाँ पे y आ गया. ये हमारा क्या एक तरीके से सेलेक्ट लाइन है, ये हमारा आई नॉट और ये हमारा आई वन. यहाँ पे से अगर मैं लिखूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे से मैं क्या लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू, सबको पता ही लॉजिकल एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिखती हूँ, a बार इंटू 1 प्लस ए बी बार. यहाँ पे से अगेन फर्दर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, a बार प्लस ए बी बार. और अगेन यहाँ पे से अगर फर्दर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, a बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस
डी बार इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। अगेन इसको फर्दर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बार प्लस डी बार, जिसे मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, ए बी का होल बार, जो कि क्या है मेरे दोनों आउटपुट ही सेम दे रही है। अल्टीमेटली किसकी वैल्यू चल रही है, वाई की वैल्यू ही चल रही है। तो जैसे हम इसका लिख पा रहे हैं, क्या हम बाकी गेट्स का भी हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम सब गेट्स का ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप अगर इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप एक बार खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ। नॉर गेट की बात करें तो हमें सिंबल पता होना चाहिए, नॉर गेट का क्या आता है, नॉट प्लस। और टेबल का आउटपुट मैं लिख देती हूँ सिर्फ, अगर यहाँ पे ए एंड बी है, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 and 1 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा 1 0 0 0। लॉजिक की बात करें, अगर सर्किट की बात करें, तो इस बार यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इस बार वैल्यूज़ हो जाएंगी मेरी B बार एंड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Y, और यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है, A ही चल रहा है। ये मेरा क्या होगा, आई नॉट एंड आई वन, और ये मेरी सेलेक्ट लाइन। क्या अब यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे से हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन बताए, तो हमारी यहाँ पे से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे से हमारी वैल्यू होगी A बार B बार प्लस A इंटू जीरो, जो कि हमारी वैल्यू क्या दे देगी, A बार प्लस B बार। और अगर मैं यहाँ पे से आउटपुट निकालती हूँ, तो यहाँ पे से भी मेरा आंसर क्या आता है, यहाँ पे से भी मेरा आंसर आता है A बार प्लस B बार। मतलब मैम बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम मक्स को किसी भी लॉजिक सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, हम उससे कोई स्पेसिफिक जो सेट ऑफ रूल्स है वो फॉलो करवा सकते हैं। जैसे कि हमने लॉजिकल गेट्स में देखा था, जैसे कि नैंड और नॉर हमारा सब कुछ कर सकते थे, यहाँ पे हमारा मक्स भी सब कुछ कर सकता है। अब हमारा कौन सा रह गया, एक्सोर का रह गया और एक्सनोर का रह गया, तो चलो फटाफट से हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सोर, इसका अगर मैं बात करूँ तो सिंबल किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। आउटपुट क्या आता है, आउटपुट मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इसका आउटपुट आता है ए एक्सोर बी, या फिर जैसे हम क्या लिखते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही आता है, ठीक है। अब अगेन मक्स में अगर मुझे बनाना हो, तो देखो इस बार जो मेरे इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे, बी एंड बी बार होंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बी क्या होंगे, बी बी बार एंड ये ए एंड ये क्या हो गया, वाई हो गया। अब क्या यहाँ से हम, मैं स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। आउटपुट मेरा क्या आएगा, आउटपुट मेरा आएगा ए बी प्लस ए बी बार, जो कि मेरा क्या है, एक तरीके से एक्सोर गेट ही है। मतलब ये इस तरीके से भी काम कर सकते। अब हमारा कौन सा बचा, एक्सनोर बचा, तो हम फटाफट से भी एक्सनोर को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ताकि हमारा कोई भी गेट ना रहे। एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट, इसका सिंबल अगर बताएं तो कैसा हो जाता है, ये हो गया आउटपुट। आउटपुट इसका क्या होता है, ए बी प्लस ए बी बार, होल बार। तो इसको हमें क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस और ए प्लस बी का होल बार, ये लिख सकते हैं। अगेन अब हम चलते हैं हमारे लॉजिक पे, मतलब जो हमें मक्स यूज़ करना, इस बार क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बी इंटू बी, बी बार बी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, एंड ये हमारा आउटपुट, ये इनपुट्स हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करते हैं, 2 into 1 मार्क्स। अब यहाँ पे से अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना हो, तो यहाँ पे से मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे से लिखेंगे ए बार बी बार प्लस क्या आएगा, ए बी, जो कि क्या है मेरा ऑलमोस्ट एक्सोर गेट की कल है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई सा भी गेट बनाना हो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट लॉजिक सर्किट प्रूफ हो गया, मार्क्स को हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट हमने प्रूफ कर दिया। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं हमारी मक्स की डी मल्टीप्लेक्सर आखिरकार हमारा क्या होता है। तो डी मल्टीप्लेक्सर इज नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच टेक्स वन सिंगल इनपुट। इस बार क्या हो रहा है, डी मल्टी हमारा मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था, हमारा मल्टीप्लेक्सर नंबर ऑफ इनपुट्स ले रहा था एंड सिंगल आउटपुट दे रहा था। डी मल्टीप्लेक्सर में जस्ट उल्टा हो गया, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये मल्टीप्लेक्सर का उल्टा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है डी, डी लगाते हम क्या होता था, एक तरीके से अपोजिट हो गया, यहाँ पे सिंगल इनपुट ले रहा है और मल्टीपल डेटा लाइंस यूज करके यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक यहाँ पे हमें आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स भी दे सकते हैं, होस्ट यहाँ पे वन लिखा हुआ है, क्योंकि अगर सिंगल इनपुट यूज़ करें तो सिंगल आउटपुट ही देगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ज़्यादा, मतलब
ज़्यादा आउटपुट भी ले सकते हैं। लाइक अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना पड़ जाए तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा हम वो भी देख लें। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इट कन्वर्ट सीरियल डेटा टू दी एट द आउट इनपुट टू द पैरल डेटा आउटपुट। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सर क्या था, पैरल टू सीरियल, यहाँ पे क्या है सीरियल टू पैरल, जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, इट्स अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अगेन ये लाइन आई गई जो मैं बोल रही थी, बाय अप्लाइंग करेक्ट कंट्रोल एंड सेलेक्ट लाइन वी कैन गेट अचीव एन इनपुट ऑफ आउट ऑफ एनी आउटपुट। ये सारी थ्योरी है जो आप पढ़ सकते हैं। अगेन जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है मैं उसको समझाती हूँ। इसके अगर अदर नेम्स मुझसे पूछ ले जाए, इसको और क्या क्या पूछते हैं, अदर नेम्स पूछे जाए तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इस बार ये क्या है, मैनी टू वन, मैनी टू वन। और अगर मुझे इसको बोला जाए तो इसको और मैं क्या बोल सकती हूँ, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन इसमें मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, जो चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वन इनपुट है, वन इनपुट, कितने इनपुट है, सिर्फ वन इनपुट। आउटपुट की बात करें तो कितने हैं, टू की पावर एन आउटपुट। डेटा लाइंस की बात करें तो कितने हैं, एन सेलेक्ट लाइन, एन सेलेक्ट लाइंस या फिर कंट्रोल लाइंस, सॉरी कंट्रोल लाइंस। ये जो मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है वो यही सारी चीज़ें हैं। अब अगेन अगर मैं बेसिक डायग्राम की बात करूँ तो बेसिक डायग्राम क्या होगा, चलो यहाँ पे तो 2:1 मार्क्स स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर मैं बेसिक डायग्राम की बात करूँ तो देखो डी मल्टीप्लेक्सर का कुछ इस तरीके से बनता है। बस ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगल इनपुट जा रहा है, सिंगल इनपुट जा रहा है, लेकिन आउटपुट कितने भी आ सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, आउटपुट कितने भी आ सकते हैं। सर क्या है मेरा आउटपुट, एंड सेलेक्ट लाइन किसके बेसिस पे होगी, सेलेक्ट लाइन हमारा आउटपुट के बेसिस पे हमें डिपेंड करेगी, ठीक है। ये तो हो गई कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे मल्टीप्लेक्सर के, डी मल्टीप्लेक्सर के टाइप, जैसे मल्टीप्लेक्सर के टाइप थे वैसे ही हमारे क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर के भी टाइप है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, 2:1 डी मक्स अगर हमें बनाने को बोल दिया तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए क्या कि यहाँ पे हमारे वन तो क्या होगा, वन हमारा इनपुट लाइन होगी, वन हमारी इनपुट लाइन होगी, ठीक है। सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, सेलेक्ट लाइन अगेन डिपेंड करेगी आउटपुट पे, आउटपुट यहाँ पे कितने हैं, आउटपुट है हमारे दो, तो सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी, वन, यहाँ पे से हमें पता होना चाहिए। अगेन फॉर्मूला सेम यूज होगा, बस थोड़ा सा उल्टा हमें यूज करना है। अगेन इसका क्या बना है, 2:1:2 डी मार्क्स, इस बार ये ध्यान में रखना, ठीक है। आउटपुट कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, इनपुट कितने हैं, एक है, सेलेक्ट लाइन कितनी है, सिर्फ एक है, यहाँ पे कौन सी, एस, ये इनपुट के लिए मैं ले लेती हूँ आई, और यहाँ पे हमारा क्या, अगेन इनेबल अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो एक तरीके से चलेगा। इनेबल की वैल्यू भी किस पे चलती है, जीरो एंड वन पे चलती है, जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन, इस चीज़ का ध्यान रखो। आउटपुट क्या हो जाएंगे, आउटपुट मेरे ए एंड बी हो जाएंगे। अब अगर मुझे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी हुई, ट्रुथ टेबल बनानी हुई तो क्या आएगा, यहाँ पे से मेरा आएगा सेलेक्ट लाइन का, सेलेक्ट लाइन एंड यहाँ पे मेरे आउटपुट। तो अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू मेरी क्या है, सेलेक्ट लाइन की वैल्यू मेरी जीरो है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा ए। अगर मेरी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू वन है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, बी। तो यहाँ पे से अगर मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हुआ, अगर मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हुआ तो मेरे ए क्या है, ए है मेरा एस, एंड अगेन क्या है मेरा इनपुट आई चल रहा है, तो यहाँ पे से मेरा क्या आएगा, एस बार आई, और बी की वैल्यू अगर मुझे लिखनी हुई तो क्या होगा मेरा एस आई। ये चीज़ समझ में आ गई, जी हाँ। तो जैसे हम इनको लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो क्या डीमक्स को भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करना हुआ तो ये सारी चीज़ें भी मुझे आनी चाहिए। अगेन किसकी वैल्यू दो बार आ रही है या फिर इन्वर्टेड वैल्यू आ रही है, एस की आ रही है, सेलेक्ट लाइन की आ रही है, तो हमें सेलेक्ट लाइन की इन्वर्टेड वैल्यू भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे तो नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल वैल्यू, ये मेरी इन्वर्टेड वैल्यू, यहाँ पे मेरे आउटपुट क्या देगा, एस बार देगा। अगेन इनपुट कौन कौन से हैं, इनपुट सिर्फ सिंगल इनपुट है, कौन सा आई, कौन सा है आई। तो अगर आई मेरा क्या कर रहा है, आई मेरा बना रहा है एंड किसके साथ, अगर एस नॉट के साथ, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है आउटपुट ए। अगर सपोज
यही आई अगर मेरा एंड गेट बना रहा है किसकी किसके साथ, एस के साथ, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, तो मुझे आउटपुट मिल रहा है बी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मुझे इसका गेट, यू लॉजिक गेट यूज करके भी इनका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। तो क्या सिर्फ वन इंटू टू डी मार्क्स ही होता है? तो नहीं जी, नहीं बिल्कुल, हमारे पास 1 × 4 डी मार्क्स भी है। अगेन यहाँ पे लिखना हुआ इनपुट तो सबको पता है इनपुट क्या रहने वाला है, 1। आउटपुट कितना रहने वाला है, इस बार आउटपुट रहने वाला है 4। तो इसके हिसाब से सेलेक्ट लाइन मुझे कितनी चाहिए होंगी, सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिए होंगी, वेरी गुड, कितनी चाहिए होंगी, 2 चाहिए होंगी। अगर मुझे यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना पड़ जाए तो डायग्राम किस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से बनेगा, अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो, ठीक है सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई, बट यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगी, इस तरीके से बनाऊँगी। ठीक है, सिंगल इनपुट 4 आउटपुट, ठीक है, सेलेक्ट लाइन कितनी, 2, कौन कौन सी, एस नॉट और एस वन, इनपुट आई, इतना हो गया क्लियर। अब आगे क्या है, अगेन इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी मुझे लिखना आना चाहिए, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी डी, ताकि क्या कर सकूँ मैं इजीली इसको लिख सकूँ। लेकिन लॉजिकल एक्सप्रेशन से पहले मुझे क्या चाहिए, ट्रुथ टेबल चाहिए, बिल्कुल सही। एस वन एस नॉट, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आउटपुट के लिए ले लेती हूँ 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर मेरे दोनों इनपुट 0 हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए फिर देन बी देन सी देन डी। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हो तो उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, अगर मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हो तो यहाँ पे से मेरा क्या आएगा, अगर मुझे ए की वैल्यू लिखनी हो तो ए की वैल्यू क्या आएगी मेरी, एस वन बार एस नॉट बार इंटू आई। ठीक है, बी की वैल्यू बतानी हो तो बी मेरा क्या आएगा, एस वन बार एस नॉट आई। सी की वैल्यू बतानी हो तो सी की वैल्यू क्या होगी, एस वन एस नॉट बार आई। डी की वैल्यू बतानी हो तो डी की वैल्यू क्या होगी, एस वन एस नॉट आई। इस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या देखने में छोटी हैं, लेकिन अगर हमें आती होगी तो बहुत ही बड़ी होगी। क्या तो क्या इसका भी इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाता है? जी हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। इस बार हमें क्या चाहिए, एस वन और एस नॉट दोनों के ही इन्वर्टेड इनपुट्स भी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा इन्वर्टेड इनपुट, ठीक है, ये हमारा है एस वन, ये एस वन बार। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हमारा कौन सा हो गया, एस नॉट एंड देन हमारा एस नॉट बार। एस नॉट बार, ठीक है। अब हमारे क्या, हमें ये पता है कि हमारा इनपुट तो एक ही रहने वाला है, हमें उसी को यूज करना है। कौन सा इनपुट है हमारा, आई इनपुट है, और इसी को हमें यूज करके चलना है। तो अगर ए को लिखना हो तो ए में तो दोनों नॉट यूज होते हैं, तो चलो ए को सबसे पहले हम बना देते हैं। ये मेरा क्या दे रहा होगा, मुझे ये ए की वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। अगेन ए बी में कौन सा होता है, बी में एस वन नॉट होता है, ठीक है। तो एक तो यहां से आएगा, एक ये यहां से आएगा एंड एक यहाँ से आएगा। ये मुझे वैल्यू किसकी दे रहा होगा, ये मुझे वैल्यू दे रहा होगा बी की। एंड ये सब मैं सिर्फ तभी ड्रॉ कर पाऊंगी जब मुझे इनकी वैल्यूज पता होंगी। अगेन आई तो आएगा ही आएगा, कॉमन है। तो अब कौन सा आ रहा होगा, एस वन आ रहा होगा एंड यहाँ पे कौन सा आ रहा होगा, एस नॉट आ रहा होगा। इस बार एस नॉट का बार, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मुझे क्या दे रहा होगा, ये मुझे सी दे रहा होगा एंड अगेन लास्ट आई तो कॉमन है ही, जी हाँ ये आई तो आ गई। देन एस वन एंड एस नॉट विदाउट एनी बार डायरेक्ट, ये मुझे क्या दे रहा होगा, ये मुझे डी दे रहा होगा। इस तरीके से मुझे इनके इम्प्लीमेंटेशन की, मुझे गेट में कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या देखें, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 × 2 डी मार्क्स यूजिंग 1 × 2 डी मार्क्स कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि इनपुट तो हमारा क्या रहेगा, एक ही इनपुट रहेगा,
हमें यूज़ क्या करने हैं, 2 × 1 DMux यूज़ करने हैं, तो ये तो हमारा क्या होगा, ये हमें याद है 1 × 2 DMux, अगेन आउटपुट कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो हम इसे फर्दर क्या कर देते हैं, बाइफर्गेट कर देते हैं, अब क्या आएंगे, अगेन मेरे 2 × 1 DMux आएंगे, ये भी मेरे 2 × 1 DMux आ गए, अगेन इनपुट तो इनके लिए भी रिस्पेक्टिवली क्या है, 1 × 2 DMux, 1 × 2 DMux, अब हमें हमारी सेलेक्ट लाइन देखनी है, यहाँ पे जो हमारी सेलेक्ट लाइन आएंगी, ये इसका चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे तो हमारी हो गई एस नॉट, ये इनपुट आई चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन S1 एंड यहाँ पे S2, अगेन इसके क्या होंगे, 2 आउटपुट होंगे, इसके भी क्या होंगे, 2 आउटपुट होंगे, तो के 4 × 1 DMux की जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसको फॉलो कर रहा है, देखो 1 इनपुट 4 आउटपुट 2 सेलेक्ट लाइन बिल्कुल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी और डी, ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे ए बी सी डी, ये मेरे चारों क्या हैं, ये मेरे चारों हैं आउटपुट, ये मेरे क्या हैं आउटपुट, ये मेरा क्या है इनपुट, सेलेक्ट लाइन की अगर मैं बात करूं, सेलेक्ट लाइन की बात करूं तो सेलेक्ट लाइन कौन कौन सी है, S0 और S1, अगेन आप देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू को क्या कर रहा है, क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करें कि इसका एग्जांपल क्या है, तो बेस्ट एग्जांपल है IC74193 एग्जाम में पूछी जाती है, थ्योरेटिकल पेपर की बात की जा रही है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे थ्योरेटिक की थ्योरी लिखी है, फटाफट से हम पढ़ लेते हैं, तो थ्योरी में क्या लिखा है, इट हैज़ 2 इंडिपेंडेंट DMux एंड ईच DMux एक्सेप्ट 2 binary inputs as select lines and 4 mutually exclusive active low outputs. अगेन जो हमने देखा वही एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो फंक्शन लिखी हुई किसकी लिखी हुई है, IC74139 की लिखी हुई है, आगे क्या लिखा हुआ है, बोथ DMux शेयर कॉमन सेट ऑफ सेलेक्शन लाइन, ये हमें पता ही है, सो दैट दे सेलेक्ट इन पैरेलल, अगेन हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीरियल टू पैरेलल कर रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ईच DMux कंसिस्ट ऑफ इनेबल पिन और डेटा इनपुट, अगेन इनेबल हमें देखा ही था क्या होती है, इनेबल की वैल्यू 0 और 1 होती है, 0 मतलब ऑफ 1 मतलब ऑन, फॉर 1 DMux इज इट इज एक्टिव हाई डेटा इनपुट एंड फॉर अदर इट इज एक्टिव हाई डेटा इनपुट एंड फॉर अदर इट इज एक्टिव लो डेटा, ओके लाइन 2 बार लिख दी गई है, कोई बात नहीं, बट इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा कि एक का क्या रहता है, एक का हाई रहता है, एक का लो रहता है, ये एग्जाम्पल अगर आप लिख के आएंगे, अगर पूरा डायग्राम भी ना बना के सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 × 8 DMux पर, तो हमें ये तो पता है कि इनपुट 1 आउटपुट 8, सेलेक्ट लाइन या फिर मैं बोलूँ तो अगर कंट्रोल लाइन कितनी होगी, फटाफट से कंट्रोल लाइन कितनी होगी, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, कंट्रोल लाइन 3 होगी, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मेरा इनपुट 1 ही है जो क्या रहेगा मेरा आई, 1 × 8 है, अगेन 3 सेलेक्ट लाइन्स कौन कौन सी, S2, S1 और S0, अब जो मेरे आउटपुट्स आएंगे आउटपुट कितने रहेंगे, 8 आउटपुट्स रहेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जी और एच ये मेरे क्या होंगे, आउटपुट्स होंगे। अब अगेन मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, तो आई गेस आप अब तो सीख ही गए होंगे कैसे लिखने होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर भी हम क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं, अगेन मुझे ट्रुथ टेबल बनाने की तो ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रुथ टेबल हम किससे लिखते हैं, सॉरी लॉजिकल एक्सप्रेशन हम किससे लिखते हैं, ट्रुथ टेबल की हेल्प से लिखते हैं, तो ट्रुथ टेबल आप आई गेस बना सकते हैं, हमारे इनपुट्स क्या होंगे S2, S1, S0 एंड यहाँ पे Y रिस्पेक्टिव 0, 0, 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा A, चलो मैं बना ही देती हूँ फटाफट से, जब सभी कर रहे हैं तो ये भी फटाफट से कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारा पूरा कंटेंट DMux कंप्लीट हो जाए और कॉम्बिनेशन सर्किट्स भी यहाँ पे हमारा काफ़ी कंप्लीट हो जाए। अगेन मैंने आपको बता ही दिया है कि हम एनकोडर
डिकोडर एंड कोड कन्वर्टर्स कहाँ पढ़ेंगे? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हम वहीं पढ़ेंगे। तो फटाफट से देरी मत कीजिए, अगर अभी तक आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे ऐड कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो वो भी फटाफट से मिल जाए, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा हो गया। अब क्या यहाँ से मैं आउटपुट्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ए की वैल्यू लिखनी हो तो क्या होगा, एस टू एस वन एस नॉट, बार बार बार, और इनपुट क्या है, आई। बी की लिखनी हो तो बी की आ जाएगा एस टू बार एस वन बार एस नॉट आई। सी की लिखनी हो तो सी की क्या लिखेंगे, एस टू बार एस वन एंड एस नॉट बार आई। इस तरीके से हम सबकी लिख सकते हैं। क्या मैं ये आपको ये छोड़ सकती हूँ बिल्कुल, आप लिख लेंगे? जी हाँ बिल्कुल, हम लिख लेंगे, हम इतना तो लिखना सीखे। फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ, अगर जीरो है तो हमें क्या यूज़ करना है, बार यूज़ करना है, या फिर इन्वर्टेड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर वन है तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कौन से कैसे हो गए, लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आउटपुट्स क्या आएंगे। तो आउटपुट्स में भी बस आपको क्या यूज़ करना है, मैं गेट्स यूज़ बता देती हूँ। गेट कौन कौन से यूज़ होंगे हमारे, अगर गेट की बात करूँ तो गेट हमारे यूज़ होंगे नॉट गेट, क्यों? क्योंकि हमें इन्वर्टेड इनपुट्स भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें एंड गेट चाहिए क्योंकि टर्म में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एंड देन फाइनल हमें और गेट चाहिए। आई गेस ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, वरना जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगी, और PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम लिंक ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल सही, वहाँ पे आपको इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम बनाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, हम बनाना सीख गए हैं, हमने मल्टीप्लेक्सर में भी सीखा है, डी मल्टीप्लेक्सर में भी सीखा है, तो हमारी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी है। चलिए अब हम फटाफट से ये देखते हैं कि अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना हो 1:8 DMux का यूजिंग 1:4 DMux एंड 1:2 DMux तो कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि इनपुट तो एक ही होने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो, ये तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे 1:2 DMux। इसके क्या होंगे, दो आउटपुट होंगे। अब ये दो आउटपुट इनपुट किसके लिए वर्क करेंगे, एक तरीके से 1:4 DMux में यूज़ हो रहे होंगे। यहाँ पे क्या है 1:4 DMux, और यहाँ पे भी क्या है हमारा 1:4 DMux 1:4 DMux। अब यहाँ पे से जो मुझे आउटपुट मिल रहे होंगे वो कितने मिल रहे होंगे, चार आउटपुट इस पर मिल रहे होंगे। अगेन 1:8 DMux में सेलेक्ट लाइन कितनी होती है, 3 सेलेक्ट लाइन होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एस नॉट यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी यूज़ होगी मेरी, S1 एंड S2। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, सेलेक्ट लाइन को मत भूल जाना, और गलत सेलेक्ट लाइन मत लगा देना कि एक में ये वो दूसरी लगा दी इसमें दूसरी लगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ABCD, और यहाँ पे से मेरे आउटपुट क्या होंगे, EFGH। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसका कर सकते हैं। अब अगेन क्या सिर्फ इतना ही होता है, नहीं, 1:16 DMux भी होता है। तो क्या हम इसको भी कर सकते हैं, जी हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं। बस मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ, इनपुट 1, आउटपुट 16, बिल्कुल सही। यहाँ पे मेरा क्या होगा, डेट सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, फटाफट से वापस से 4, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे से मैं आउटपुट बता सकती हूँ, बिल्कुल, यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा मेरी से, यहाँ पे सॉरी 3 सेलेक्ट लाइन आएगी, नहीं सॉरी 4 ही आएंगी, क्यों गलत कैसे हो गया, 4 सेलेक्ट लाइन आएंगी, कौन कौन सी, S3 S2 4 सेलेक्ट लाइन है, ठीक है, S1 और S0। यहाँ पे कितने होंगे मेरे, 16 आउटपुट होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप काउंटिंग ले रहे हैं 0 से लेके तो 0 to 15, ठीक है, 0 to 15, अगर अल्फाबेटिक ले रहे हैं तो A से लेके 16 कहाँ पे आता है, P पे आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से इनपुट सिंगल होगा, सिंगल इनपुट एंड 16 आउटपुट। टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, ट्रुथ टेबल बना के लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें हम एक्सपर्ट हो ही चुके हैं, तो वो हम लिख ही लेंगे। अगेन आपको वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिल जाएगी, बिल्कुल सही, PDF में मिल जाएगी। अभी ये एक चीज़ देख लेते हैं जो हमारी यूज़फुल है। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे क्या आने वाला है, जो एक इनपुट है वो किस पे जा रहा होगा, 2:1 मार्क्स में जा रहा होगा, 1 सॉरी 1:2 DMux में जा रहा होगा।
इसके जो दो आउटपुट हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे होंगे, वो रिस्पेक्टिवली जा रहे होंगे 1 × 8 DMux पे, 1 × 8 DMux पे। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ड्रॉ करते वक्त, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखेंगे इसके लिए आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ओके एंड जी एच, ये जी और एच एक यहाँ पे बना देता है, ठीक है। एच फिर देन आई जे के एल एम एन ओ एंड यहाँ पे पी, ठीक है। यहाँ पे इनपुट क्या चल रहा है, आई सेलेक्ट लाइन, जी हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस नॉट, यहाँ पे कितनी लगेंगी, तीन लगेंगी, कौन कौन सी, एस वन एस टू एंड एस थ्री। सिमिलरली यहाँ पे भी तीन लगेंगी, कौन कौन सी, जी हाँ बिल्कुल एस वन एस नॉट एंड एस थ्री। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हमें आती रहेंगी तो हम काफ़ी अच्छा स्कोप कर लेंगे। देखने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर हमें आती होंगी तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, फटाफट से हम एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की कंपैरेटर्स की, कंपैरेटर्स की बात की, उसके बाद हमने देखा कंपैरेटर्स कितने तरह के होते हैं। हमने ये वन बिट होते हैं, एन बिट मैग्नीट्यूड के देखे, फिर उसके बाद सिंगल वन बिट के देखे, टू बिट के देखे, फोर बिट के देखे एंड एट बिट के देखे। इसके बाद हमने किसकी बात की, हमने बात की मल्टीप्लेक्सर की, मक्स की। इसमें हमने ये देखा मल्टीप्लेक्सर कितने कैसे बनाया जाता है, क्यों यूज़ बनाता है, हमने इसके एडवांटेज भी देखे। साथ ही साथ हमें इसमें कन्वर्टर कैसे करते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी देखे हमने। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो फटाफट से वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे आज क्या देखा, हमने डीमक्स भी डिस्कस कर लिया। अब एक जो इम्पोर्टेंट नोट जो मुझे बताना है वो क्या, फटाफट से सुन लीजिए। अब जो हमारे टॉपिक हैं कौन कौन से, एनकोडर डीकोडर एंड कोड कन्वर्टर, कोड कन्वर्टर, ये तीनों टॉपिक हम कहाँ पढ़ेंगे, जी हाँ बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो अगर आप अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप से नहीं जुड़े तो फटाफट से जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अकाउंट बनाइए और मुझे फॉलो कीजिए। इस पे आप मेरे अदर कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं जो किस पे चल रहा है, एप्टन रेजिंग पे चल रहा है बिल्कुल से। और ये कोड यूज़ करना ना भूले जो कि क्या है, AAISHU। कौन सा कोड है, AAISHU फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे अनअकैडमी पर भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।